आज हम लोग मोड फंक्शन सीखेंगे. ऑलवेज रिमेंबर दिस कि फंक्शन हमारा लैंग्वेज है जो हम तैयार कर रहे हैं इस भाषा को, ताकि भविष्य में हम जब आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहें तो हम इसी भाषा का उपयोग करेंगे. मोड फंक्शंस का लैंग्वेज, हमारे लैंग्वेज का नाम फंक्शंस होगा. तो मोड ऑफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर ऑफ एक्स, या एक सिंबल भी बना सकते हैं. हर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल हम लोग बनाते हैं. जैसे इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसा सिंबल या ऐसा सिंबल बनाए हुए हैं, और इसके लिए हम लोग ऐसा सिंबल बनाए. वैसे ही हम लोग इस फंक्शन के लिए एक सिंबल बनाए हैं, ऐसा दो लंबा डंडा है और उसके बीच में एक्स लिखा हुआ है. आज हम लोग को यही फंक्शन पढ़ना है जिसको बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स, या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स भी बोलते हैं, लिखते ऐसे हैं. और ये फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी इस फंक्शन, इस फैक्ट्री का डोमेन ऑफ डेफिनेशन है ऑल रियल नंबर्स, यानी मॉड ऑफ -3, मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2.3, मॉड ऑफ 56.7, मॉड ऑफ एनी रियल नंबर का वैल्यू हम पूछ सकते हैं कि बताइए कितना. तो तब तक नहीं बता पाइएगा जब तक कि आपको इस फंक्शन को हम डिफाइन नहीं करते हैं कि ये करता क्या है. तो ये फंक्शन में आप अगर इसके डोमेन में से कोई एक नंबर डालें, x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डोमेन है, तो ये जो नंबर रिटर्न करता है उसको लिखते ऐसे हैं, बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स. पर क्या रिटर्न करता है, हम आपको अब वो फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं. कोई भी रियल नंबर लाइन पे एक नंबर लें से 5, ओरिजिन से उस नंबर का जो डिस्टेंस है वो रिटर्न करता है. यानी आप एक्स के जगह 5 डालिएगा, 5 एक रियल नंबर है ऑन द रियल नंबर लाइन, तो मॉड ऑफ 5 रिटर्न करेगा, अर्थात उस पॉइंट का ओरिजिन से दूरी रिटर्न करेगा. तो मॉड ऑफ 5 का वैल्यू 5 होगा. यानी आप इस फैक्ट्री में 5 डालिएगा तो ये 5 रिटर्न करेगा. यानी कि आज के बाद अगर हम मॉड ऑफ 5 बोलें, लिखें ऐसे, तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा रियल नंबर मीन कर रहे हैं. हम 5 मीन कर रहे हैं. जैसे स्क्वायर ऑफ 5 लिखेंगे, बोलेंगे ऐसे और लिखेंगे ऐसे, आप समझ जाइएगा कि हम कौन सा रियल नंबर मीन कर रहे हैं. अभी हम बताए हैं कि ये फंक्शन जिस किसी रियल नंबर पे भी लगाया जाएगा, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्क्वायर रूट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, स्क्वायर इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर. जिस किसी भी रियल नंबर पे आप ये ऑपरेटर लगाएंगे, ये कौन सा नंबर रिटर्न करेगा, यही हमको आपको बताना है कि द स्क्वायर ऑपरेटर डज व्हाट, इट रिटर्न्स यू द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर. स्क्वायर रूट ऑपरेटर रिटर्न्स यू अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इक्वल्स दैट नंबर. उसी तरह से द मॉड ऑपरेटर या मॉड फंक्शन रिटर्न्स यू द डिस्टेंस ऑफ दैट रियल नंबर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन. यही डेफिनेशन है मॉड फंक्शन. यानी अब अगर हम मॉड ऑफ -3 बोलें, तो आप कौन सा रियल नंबर समझेंगे कि हम बोल रहे हैं. तो रियल नंबर लाइन यानी कि इसके डोमेन में से हम एक नंबर डालें -3 इस फैक्ट्री में, तो ये जो नंबर रिटर्न करेगा उसको बोलते ही हैं, लेकिन ये कितना के बराबर है, कितना है इसका वैल्यू. अगर हम मॉड फंक्शन समझ गए होंगे तो जवाब दे देंगे. रियल नंबर लाइन पे -3 कहीं यहां एक नंबर है, मॉड ऑपरेटर जब लगाया जाएगा इस रियल नंबर पे, तो आपको उस रियल नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन रिटर्न होगा, यानी कि ये 3 है.
अब कोई बात नहीं है, अब तो मॉड ऑफ माइनस टू बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे हम टू मीन कर रहे हैं, मॉड ऑफ माइनस 57.5 तो आप समझ जाएंगे 57.5 हम मीन कर रहे हैं, मॉड ऑफ 32.9 तो आप समझ जाएंगे हम 32.9 मीन कर रहे हैं। हम मॉड फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे हैं मैथमेटिकली। मॉड ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, हम लोग नोटिस किए हैं कि इस फैक्ट्री में अगर आप नेगेटिव नंबर्स डालिए से -5 तो ये +5 रिटर्न कर देता है, और अगर पॉजिटिव नंबर्स डालिए तो जो डालिए वही रिटर्न कर देता है। ऐसा फंक्शन याद है जो जो डालिए वही रिटर्न करेगा, x raised to the power 1 या सिंपली x, ये फंक्शन में जो डालिए वही रिटर्न करेगा। स्क्वायर ऑफ x में जो डालिए वो रिटर्न नहीं करेगा, क्यूब ऑफ x और x raised to the power 1 फंक्शन में जो डालिए वो रिटर्न करेगा, 1 डालिए 1 रिटर्न करेगा, 2 डालिए 2, -56 -56। ऐसे फंक्शन को हम लोग एक नाम से संबोधित किए थे आइडेंटिटी फंक्शन, और इसका ग्राफ y बराबर x, इनपुट x, आउटपुट को अगर y कहें तो y का वैल्यू कितना होगा, इक्वल टू x होगा। अगर इस फैक्ट्री में इनपुट को x कहें और आउटपुट को y, तो इस फैक्ट्री से जो आउटपुट निकलेगा उसका क्या संबंध होगा इनपुट के साथ, आउटपुट इक्वल टू इनपुट तो नहीं होगा, आउटपुट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इनपुट होगा। मॉड फैक्ट्री में इनपुट को अगर हम x कहें और आउटपुट को y कहें तो आउटपुट और इनपुट में क्या संबंध है, y इज इक्वल टू इनपुट तो नहीं लिखेंगे, मॉड ऑफ द इनपुट। तो जब हम कहते हैं कि x टू द पावर 1 फंक्शन का ग्राफ बनाइए, तो आप इधर हमेशा फंक्शन के वैल्यूज को प्लॉट करते हैं और इधर इनपुट को और उधर आउटपुट को, और आप इक्वेशन लिखते हैं y बराबर x। अब बना रहे हैं x टू द पावर 1 फंक्शन का ग्राफ, पर चित्र बनाने के बाद उस चित्र का इक्वेशन पूछें कि क्या है, कौन सा इक्वेशन उस चित्र को रिप्रेजेंट करता है। हर चित्र कई पॉइंट से गुजरता है और हर पॉइंट एक जोड़ा नंबर है, तो उन जोड़ा नंबर्स में क्या संबंध है, वही संबंध को कहते हैं इक्वेशन ऑफ दैट चित्र। तो हम y बराबर x का चित्र, एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लीनियर फंक्शन पढ़ चुके हैं, y बराबर mx प्लस c का चित्र बनाते हैं वक्त हम लोग को y इंटरसेप्ट दिखता है c और स्लोप m का एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ वन स्लोप का एक लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वन स्लोप मतलब 45 डिग्री एंगल, वन यूनिट घसकने पे वन यूनिट का राइज। तो इस तरह का एक लाइन बनेगा जो हमारे x एक्सिस और y एक्सिस को डिवाइड करेगा दो बराबर एंगल्स में, यानी इस लाइन को हम एंगुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस, और दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, AXES, बहुवचन है ये, प्लूरल है ऑफ एक्सिस। तो y बराबर x का ग्राफ हम लोग बनाना जानते हैं, यही अगर y बराबर 2x का ग्राफ बोलने की बनाइए, सो इट इज अनदर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग स्लोप 2, ओरिजिन से पास करता हुआ हम अनगिनत लाइन बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स का, सभी का रिलेशन इक्वेशन होगा y बराबर समथिंग इनटू x, वो समथिंग इज द स्लोप, पॉजिटिव स्लोप होगा तो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेटेड दिखेगा लाइन, और नेगेटिव स्लोप होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज दिशा में रोटेटेड दिखेगा। ऐसे ही आपको याद दिला दिए बीच में, भूलना नहीं है, फंक्शंस पढ़ते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो हम इस फंक्शन को कहे थे आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें जो डालिए वही रिटर्न कर दे। इस ग्राफ पे जो पॉइंट्स है 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, यही सब पॉइंट्स, -1, -2, -3, -3। हम मॉड एक्स फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं इन अ मोर हैंडसम मैनर,
शब्दों में हम समझ गए मॉड फंक्शन क्या रिटर्न करता है, पर जरा उसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिख के दिखाते हैं। हम नोटिस किए हैं कि मॉड फंक्शन में अगर पॉजिटिव नंबर्स डालिए तो जो डालिएगा वही रिटर्न कर देता है, और नेगेटिव नंबर्स डालिए तो वो उस नंबर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है। जैसे माइनस फाइव डालिए तो माइनस फाइव रिटर्न नहीं करता है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके और इवेंचुअली फिर एक पॉजिटिव नंबर रिटर्न कर देता है, क्योंकि डिस्टेंस रिटर्न करना है उसको, एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये फंक्शन हमेशा जो नंबर रिटर्न करेगा वो एक नॉन नेगेटिव नंबर रिटर्न करेगा। नॉन नेगेटिव क्यों बोले, केवल पॉजिटिव क्यों नहीं बोल दिए, क्योंकि जीरो भी तो रिटर्न करेगा। x इक्वल टू जीरो डालिएगा तो मॉड ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो रिटर्न करेगा, यानी मॉड फंक्शन के इनपुट सेट में ऑल रियल नंबर्स है, इस फंक्शन के आउटपुट सेट में जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में नंबर्स है। इस बात को हम ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू r एंड मॉड x बिलोंग्स टू, मॉड x मतलब जो इस फैक्ट्री से आउटपुट निकलता है उसको मॉड x बोल रहे हैं। तो मॉड x का वैल्यू कितना से कितना के बीच में लाई करेगा, वो जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में ही नंबर्स रिटर्न करेगा। मॉड x को हम अभी भी बड़ा हैंडसम मैनर में डिफाइन नहीं किए हैं, अब करने जा रहे हैं। ऐसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट डालते हैं और इसके डेफिनेशन को दो टुकड़ों में लिखते हैं। लिख रहे हैं कि मॉड x फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू x के बराबर होता है, यानी मॉड ऑफ x बराबर x, अगर इफ लिखे नहीं है लेकिन बोल रहे हैं इफ x इज अ पॉजिटिव नंबर एंड मॉड x का वैल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ x इफ x इज अ नेगेटिव नंबर एंड मॉड ऑफ x अगर x जीरो है तो मॉड ऑफ x का वैल्यू जीरो है। फिर से बोलते हैं, हम मॉड x फंक्शन को तीन टुकड़ों में डिफाइन किए हैं। मॉड x फंक्शन डिफाइंड है फॉर नेगेटिव नंबर्स, फॉर पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल्सो फॉर जीरो। तो हम ये नोटिस किए कि अगर इसमें पॉजिटिव नंबर्स डालिएगा तो ये फैक्ट्री आपको वही नंबर रिटर्न कर देगा, जो डालिएगा वो दे देगा, यानी इट विल बिहेव लाइक एन आइडेंटिटी फंक्शन, x टू द पावर वन फंक्शन की तरह व्यवहार करता है। और अगर नेगेटिव नंबर्स डालिएगा तो वो उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके तब रिटर्न करेगा, मॉड ऑफ माइनस फाइव का वैल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस फाइव, यही लिखे हैं इफ x इज अ नेगेटिव नंबर। यानी यहां x अगर एक नेगेटिव नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके आपको नंबर रिटर्न किया जाएगा, और अगर x जीरो है तो फंक्शन का वैल्यू जीरो आएगा, यही लिखे हैं। इस डेफिनेशन को थोड़ा सुधारेंगे और हैंडसम बनाएंगे। हम ऐसा भी लिख सकते थे इस फंक्शन का डेफिनेशन कि मॉड x का वैल्यू इज डिफाइंड एज इक्वल टू x इफ x इज अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यानी मॉड फैक्ट्री में अगर हम जीरो या जीरो से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर डालें और हम मॉड का वैल्यू पूछें कि बताइए, तो आप यहां से जवाब दीजिएगा, मॉड ऑफ x का वैल्यू पूछें कितना के बराबर होता है, तो साफ लिखा है अगर x एक नंबर हो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो मॉड x का वैल्यू जब पूछें तो आप x टू द पावर वन यानी x बोल दीजिएगा, और अगर हम नेगेटिव नंबर के लिए मॉड का वैल्यू पूछें तो आप उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके बोलिएगा। जैसे हम पूछें मॉड ऑफ थ्री का वैल्यू बताइए, तो इस डेफिनेशन में देखिए इट इज समथिंग लाइक कि हम मॉड फैक्ट्री में x के जगह 3 लेके घुसना चाहते हैं इस फैक्ट्री में। तो ये फैक्ट्री क्या काम करेगा, इस फैक्ट्री को हम अच्छे से समझाए हैं कि क्या करना है। समझाए हैं कि अगर इनपुट एक नॉन नेगेटिव नंबर हो
यानी पॉजिटिव हो या जीरो हो, तो जो नंबर घुसेगा वही रिटर्न कर देना है। और यहां लिखे हैं कि अगर इनपुट नेगेटिव नंबर हो, मैंने पहले फैक्ट्री में बैठा जो मैथमेटिशियन होगा वो इनपुट को कंपेयर करेगा कि वो नेगेटिव नंबर है कि नॉन नेगेटिव, तब जवाब देगा। जैसे हम अगर एक फंक्शन डिफाइन करें, डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन का नाम है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं 2x+3 इफ एक्स इज अ नंबर लेस देन और इक्वल टू -1 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू x²-1 इफ एक्स इज अ नंबर ग्रेटर देन -1। यानी हम एक फंक्शन जिसका नाम रखे हैं एफ ऑफ एक्स, स्क्वायर ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्यूब ऑफ एक्स, नाम रखे हैं एफ ऑफ एक्स, क्रिएट किया आपके लिए राइट नाउ। आप देखें कि इस भाषा को समझ पाए हैं कि नहीं। हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो डिफाइन किए हैं वो साफ लिखा है कि अगर x का वैल्यूज -∞ से लेके -1 तक लेस देन और इक्वल टू माइनस, तो एफ एक्स का मतलब रहेगा 2x+3। और अगर x एक नंबर है, रियल नंबर ग्रेटर देन -1, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब रहेगा x²-1। यानी अब अगर हम पूछें कि एफ ऑफ 3 का वैल्यू बताइए, x=3 के लिए इस फंक्शन का वैल्यू बताइए, तो आप पहले कंपेयर कीजिए कि हम फंक्शन का डेफिनेशन ये वाला लें कि वो वाला लें। तो चूंकि यहां नंबर 3 -1 से बड़ा एक नंबर है, इसीलिए आप इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू बताएंगे 3²-1। अगर हम पूछे होते फंक्शन का वैल्यू फॉर -2, तो आपको देखना होगा पहले कि ये इस डेफिनेशन का इस्तेमाल हम करें कि उस डेफिनेशन का। तो चूंकि यहां -2 एक नंबर है जो -1 से छोटा है, इसीलिए आप इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे और फंक्शन का वैल्यू बताएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर 2x-2+3। अगर हम फंक्शन का वैल्यू पूछेंगे फॉर x=-1, तो आप x=-1 पे देखना होगा कि फंक्शन को हम क्या डेफिनेशन दिए हैं फंक्शन का। तो यहां इक्वालिटी साइन है, यानी आपको ये डेफिनेशन इस्तेमाल करना है। और एफ ऑफ -1 का वैल्यू जब पूछेंगे तो -1 को 2 से गुणा करके और 3 ऐड करके जवाब देना है। अगर हम ऐसा डेफिनेशन दिए होते फंक्शन को, अब पूछते कि एफ ऑफ -1 का वैल्यू बताइए, तो आप कहते नॉट डिफाइंड। x=-1 के लिए हम कौन सा डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे वो दिया ही हुआ नहीं है। एक्चुअली ये फंक्शन जो हम डिफाइन किए हैं अभी, उसको हम डिफाइन किए हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स अभी एक्सेप्ट वन नंबर -1। इसीलिए एफ ऑफ -1 पूछ ही नहीं सकते हम। फंक्शन का वैल्यू सिर्फ ऐसे ही नंबर्स के लिए पूछ सकते हैं जिसके लिए हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब वो आपको दिखेगा, मेरे डेफिनेशन में दिखेगा। अब मॉड को हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर ऑल रियल नंबर, अब पूछे हम, तभी हम पूछ सकते हैं मॉड ऑफ -3 का वैल्यू बताइए वगैरह वगैरह। तो फंक्शन को इस प्रकार भी डिफाइन किया जाता है टुकड़ों में, -∞ से -1 के लिए ये डेफिनेशन, -1 से +∞ के लिए ये डेफिनेशन, और अलग से भी हम कर सकते हैं x=-1 के लिए हम फंक्शन का एक वैल्यू अलग से असाइन कर दिया। यानी आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब ये डिफाइंड हो गया फॉर ऑल रियल नंबर्स। और अब एफ ऑफ -1 का वैल्यू पूछेंगे तो आप 5 बोलेंगे। अगर कहें कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, उधर वाई इधर एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग इस फंक्शन का वैल्यूज 3 हिस्सों में बांटेंगे अपने एक्स एक्सिस को, x=-∞ से लेकर के x=-1 तक, और x=-1 से लेके x=+∞ तक, और एक x=-1 हमको हर वर्टिकल लाइन पे डॉट बनाना है। तो हम पहले इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं
2x plus 3 फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना है। इसका चित्र बनाने में अलग से खाली इस चित्र को देखिए बना पाएंगे कि नहीं। x के जगह 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा, यहां पे कट करेगा वो y एक्सिस, और y की जगह 0 डालेंगे तो x का वैल्यू -1.5 यहां आएगा। ये -1 है, यहां -2 होगा, -1.5। तो इस फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा, लेकिन हम पूरा ग्राफ नहीं बनाएंगे क्योंकि ये फंक्शन का डेफिनेशन सिर्फ -∞ से -1 तक के लिए ये डेफिनेशन है, यानी हम इस ग्राफ को, इस पोर्शन को मिटा देंगे, तब ये डॉट बताना होगा। तो x इक्वल टू -1 डालिए और उसका y कोऑर्डिनेट आएगा 1, यानी कि ये 1 हाइट पे होगा ये वन। तो जब आपको एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाना है और पूरा नहीं बनाना है, आपको x इक्वल टू -∞ से x इक्वल टू -1 के बीच में बनाना है, तो एक डॉट तो -1 पे आकर के निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहीं तक आपको ग्राफ ले जाना है और समाप्त कर देना है, और वहां एक होल बनाना होगा, क्योंकि x इक्वल टू -1 के लिए फंक्शन का डेफिनेशन ये नहीं है। यानी कि हम फंक्शन का वैल्यू फॉर -1 पूछेंगे तो आप यहां पे -1 डाल करके नहीं कैलकुलेट करके बताएंगे, आप f ऑफ -1 का वैल्यू पूछेंगे तो आप 5 बोलेंगे। सो दिस पर्टिकुलर लाइन पे जो डॉट है उसका हाइट 1 नहीं 5, यहां पे एक ब्लैक डॉट करेंगे। ये हर वर्टिकल लाइन पे आप एक डॉट बनाते हैं जो फंक्शन का वैल्यू हो पता है, रिप्रेजेंट करता है फॉर दैट पर्टिकुलर x। तो x इक्वल टू -1 के लिए जो हम डिफाइन किए हैं फंक्शन का वैल्यू बता रहे हैं कि 5 है, तो इस वर्टिकल लाइन पे जो डॉट होगा वो यहां होगा, यहां नहीं। और फंक्शन का डेफिनेशन 2x प्लस 3 यानी -5, आप जब इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ पे x इक्वल टू -5 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो यहां से कैलकुलेट होगा -7। फिर x इक्वल टू -4, वही सब डॉट्स है पर ये डॉट सिर्फ इस वर्टिकल लाइन तक बनाएंगे। x इक्वल टू -1 पे कलम उठाइए, फ्रेश डॉट बनाइए, यानी कि ग्राफ बनाते वक्त आपको यहां से वहां तक डॉट्स स्मूथली ज्वाइन करते चले गए बिना कलम उठाए। जैसे ही -1 पे पहुंचे सडनली फंक्शन का वैल्यू बदल गया, सडनली, यानी x इक्वल टू -0.1.1 पे भी फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो कुछ y कोऑर्डिनेट आएगा, 1 से थोड़ा कम। जैसे जैसे आप -1 के निकट जाइएगा वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू बढ़ते 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 1 की तरफ जाएगा, लेकिन 1 आपके आउटपुट के झोला में नहीं है। -1.1 ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है इस फंक्शन के सेट में, इनफैक्ट -1.5 है। सो सडनली आपको अपना कलम उठा के ऐसे नहीं ले जाते हैं ग्राफ, ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ऑल दीज डॉट्स आर नॉट पार्ट ऑफ योर ग्राफ। यहां पे के बाद सडनली यहां डॉट डालना है, तो जो सडनली आपको ग्राफ का बनाते वक्त कलम उठाना पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि देर इज ए डिसकॉन्टिन्यूटी इन द ग्राफ, जहां कलम उठाना पड़ जाए। जैसे इस फंक्शन का जो चित्र हम बनाए, अगर हम यहां पे x इक्वल टू -1 पे फंक्शन का वैल्यू हम डिफाइन किए होते, इसमें -1 डालने पर वैल्यू आ रहा है 1, अगर हम यहां पे 1 ही डिफाइन कर देते यानी डॉट यहीं पे बनता तब कलम नहीं उठाना पड़ता। कलम जब भी उठाना पड़ता है ना ग्राफ बनाते वक्त, वर्टिकल लाइंस को क्रॉस करते जाते हैं, चित्र बनाते जाते हैं, जहां कहीं भी अचानक से कलम उठाना पड़ जाए या फिर से, तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर लाइन पे एक डिसकॉन्टिन्यूटी मिला है। जैसे अभी हम जो डेफिनेशन दिए हैं फंक्शन का fx का, उसके चित्र बनाने में हम नोटिस किए कि x इक्वल टू -1 पे एक डिसकॉन्टिन्यूटी है, वो यहां से भी दिख रहा है, ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है। अगर x इक्वल टू -1 यहां डाल के कैलकुलेट कीजिएगा तो इस फंक्शन का y कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है, जबकि -1 पे हम जो डिफाइन किए हैं वो 5,
तो दोनों वैल्यू मिसमैच हो रहा है, अपने कलम उठाना पड़ेगा। अब इधर का ग्राफ बनाना है, ये फंक्शन का ग्राफ बनाना है। अब ये फंक्शन का ग्राफ एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है, उसमें माइनस वन ऐड कर दीजिएगा तो वो ग्राफ वन यूनिट्स नीचे ऐसा होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ 0,0 से गुजरेगा, माइनस 1,1 से गुजरेगा उसी होल से, 1 पे 1। तो हमें ग्राफ बनाए और माइनस 1 ऐड किया है तो हम लोगों को वो ट्रांसफॉर्मेशन पता है कि इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करने से ग्राफ के शक्ल में क्या बदलाव आता है। हमारा ग्राफ सिर्फ ट्रांसलेट कर जाता है बाय 1 यूनिट्स पैरेलल टू वी वाई एक्सिस इन द नेगेटिव डायरेक्शन, प्लस करते पॉजिटिव नंबर तो ऊपर चला जाता है और ऐड किए हैं नेगेटिव नंबर तो नीचे आ गया। और ही x के जगह कुछ लिख देते x माइनस वन का स्क्वायर, तो ग्राफ को ट्रांसलेट करना पड़ता हमको पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वन का पूरा ग्राफ नहीं बनाएंगे हम, हमको इस लाइन से इधर का ग्राफ बनाना है, बस यही ग्राफ मिटा रहे। यहां से शुरू होता है ग्राफ, एक्स इक्वल टू माइनस वन डालिएगा तो इसका वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन जीरो यहां से शुरू होगा, लेकिन यहां होल्ड होगा क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस वन पे फंक्शन का डेफिनेशन ये नहीं है, ना ही ये है, ये है। तो यहां भी होल है, यहां भी होल है, यहां डॉट है, यानी इस वर्टिकल लाइन पे जो डॉट है आपका वो न यहां है न यहां है, यहां है। ये है इस फंक्शन का ग्राफ, ये है पॉइंट माइनस वन। यानी हम लोग फंक्शंस को इस तरह से भी डिफाइन करेंगे, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक सम नंबर्स कॉन्स्टेंट्स करेंगे। ये फंक्शन का चित्र देख करके हम आपसे पूछें कि क्या इस फंक्शन के ग्राफ पे कहीं कोई डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो आप तुरंत बोलेंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन पे एक डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर हम इस तरह से फंक्शन को डिफाइन कर देते कि x इक्वल टू माइनस वन पे भी अगर आपको फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसी से कैलकुलेट कीजिएगा, यही तो लिखे, तो आपका डॉट वहां नहीं होता, यहां होता। यानी ये स्ट्रेट लाइन यहां तक बनाते डॉट, फिर भी आप कहते कि डिसकॉन्टिन्यूटी है x इक्वल टू माइनस वन पे, क्योंकि उसके बाद फिर कलम उठाना पड़ा। अगर हम यहां पर एक्स स्क्वायर कर देते, यानी ये ग्राफ अब यहीं से शुरू होता, यानी अब तब ऐसे स्थिति में फंक्शन का जो ग्राफ बनता वो ऐसा और ऐसा, कलम नहीं उठाना पड़ता कहीं भी, पूरे डोमेन में किसी भी वर्टिकल लाइन को क्रॉस करते वक्त कलम नहीं उठाना पड़ा। कॉन्टिन्यूअस चेंजेस बोलते हैं, जरा जरा से एक्स बदला, जरा जरा से फंक्शन का वैल्यू बदला, सडनली नहीं बदल गया कि अभी x था माइनस वन तो फंक्शन का वैल्यू था माइनस वन, पहुंच रहे हैं वर्टिकल लाइन को धीरे धीरे, और फंक्शन का वैल्यू वन पहुंच रहा है। अचानक से जैसे ही हम माइनस वन पहुंचे फंक्शन का वैल्यू आप हमको बोले पांच, सडन चेंज, x बदल भी नहीं किया और फंक्शन का वैल्यू कड़ाक से बदल गया। तो अगर फंक्शन के वैल्यू में सडन चेंजेस हो डेफिनेशन में तो हम कहते हैं कि द फंक्शन हैज डिसकॉन्टिन्यूटीज। तो जो ओरिजिनली जो हम फंक्शन यहां पे लिए थे पहले उसका ग्राफ भी बना के दिखा दिए, और अब अगर ऐसा डेफिनेशन हो फंक्शन का तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यानी आप एक्स के जगह इसमें भी माइनस वन डाल के देखिए तो वन आता है, और यहां भी माइनस वन डाल के देखिए तो वन आता है। यानी इस फंक्शन का जब ग्राफ बनाएंगे दो टुकड़ों में, एक माइनस वन के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टुकड़ा है वो लीनियर फंक्शन है तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और माइनस वन के राइट हैंड साइड वाला जो टुकड़ा है वो क्वाड्रेटिक है इसलिए एक पैराबोला दिखेगा, पार्ट ऑफ अ पैराबोला, पूरा पैराबोला नहीं दिखेगा, ये भी पूरा लाइन नहीं दिख रहा है। अब ऐसे स्थिति में जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो हम फंक्शन को अगर ऐसा लिखें
अभी कॉन्टिन्यूस फंक्शन वाला हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक फंक्शन को हम डिफाइन कर दिए 2x+3। माइनस वन से प्लस इंफिनिटी तक फंक्शन को हम डिफाइन कर दिए x2। और माइनस वन पे फंक्शन को डिफाइन कर दिए 1। इसका चित्र यहां बनाए। अगर ऐसा फंक्शन हो जो कि कॉन्टिन्यूस है, x=-1 के लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और है और राइट हैंड साइड कुछ और, लेकिन दोनों ग्राफ x=-1 लाइन पे एक ही जगह से शुरू हो रहा है, ये जहां पे अंत होता है दूसरा ग्राफ वहीं से शुरू हो रहा है, ऐसी स्थिति में हम निश्चित रूप से कहेंगे कि वहां पे कॉन्टिन्यूटी है, डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। और तब ऐसी स्थिति में हम फंक्शन को ऐसा लिखने के बजाय जो भी लिखे हैं हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं। हमको बताना यही ना है कि x=-1 पे फंक्शन का वैल्यू पूछें तो कौन सा डेफिनेशन से आपको कैलकुलेट करना है, तो दोनों में से जो मन से कर लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से कैलकुलेट करने पर फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है, इसीलिए दोनों में से जो मन, या हम दोनों तरफ भी इक्वालिटी साइन डाल सकते हैं ये बताने के लिए कि आपको देखिए, अगर हम नियम यही है कि अगर हम यहां इक्वालिटी साइन डाले हैं और हम f(-1) का वैल्यू पूछ रहे हैं तो आपको यहीं से कैलकुलेट करना है, अगर वहां डाले हैं तो वहां से, अगर दोनों में से कहीं नहीं डाले हैं अलग से लिख दिया तो आपको यहीं से कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस हो उस स्थान पे जहां पे हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तीन तीन टुकड़ों में, -1 के बाएं तरफ, -1 के दाएं तरफ और -1, लेकिन अगर मेरा फंक्शन वहां पे एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो @x=-1 इफ देयर एग्जिस्ट्स अ कॉन्टिन्यूटी, तब इक्वालिटी साइन हम यहां डालें या यहां डालें या दोनों जगह डाल दें, इतने तरीकों से हम फंक्शन को आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अभी इसलिए बताना जरूरी हो गया क्योंकि हम मॉड फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं दो टुकड़ों में, -∞ से 0 तक का जो इलाका है x=-∞ से x=0 तक का, इस इलाका में अगर कहें कि मॉड फंक्शन का ग्राफ बनाइए, माने y=mod x का ग्राफ बनाइए, तो आप y=-x का ग्राफ बनाएंगे, यही तो लिखो, दिस मीन्स दिस फॉर नेगेटिव वैल्यूज, और x=0 से x=+∞ इलाका में कहें कि y=mod x का ग्राफ बनाइए तो दिस मीन्स दिस, और x=0 पर हम क्या करें, तो आप इस फंक्शन में x के जगह 0 डालिए, मॉड 0 का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो कि हम उस फंक्शन में x के जगह 0 डाल करके मॉड 0 का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, डालिए x के जगह 0, अगर यही डेफिनेशन होता कि 0 पे मॉड का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो यूज दिस डेफिनेशन, यानी मल्टीप्लाई 0 विथ अ माइनस साइन, तो भी तो वही आएगा 0। या हम इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करें तीन टुकड़ों में, तो एक्चुअली ये जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं x=0 पे हम उसका डेफिनेशन को बदल रहे हैं, -∞ से 0 तक डेफिनेशन ये है और 0 से +∞ के बीच में डेफिनेशन कुछ और, लेकिन x=0 पर ये फंक्शन एक्चुअली कॉन्टिन्यूस है, यानी बाएं वाला ग्राफ बनाइए y=-x, ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, -1 स्लोप यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में, 1 यूनिट खसकने पे 1 यूनिट का ड्रॉप, y=x लाइन, तो हमको y=-x लाइन बनाना है, लेकिन यहीं तक -∞ से 0 तक हमको बनाना है मॉड x का ग्राफ, तो मॉड x का ग्राफ बनाने के लिए आप कह रहे हैं कि -x का ग्राफ बना दीजिए इस इंटरवल में, यानी -1, -5, 5, -4, 4, -3, 3, -2, 2, और y=x का ग्राफ ये है, लेकिन इसका पूरा हिस्सा नहीं बनाना है, सिर्फ x=0 से x=+∞ के बीच में जो पोर्शन है वही रखना है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड x, और x=0 पर
ये ग्राफ एक्स इक्वल टू जीरो पर भी आप फंक्शन का वैल्यू डिफाइन किए हैं एज जीरो। अगर एक्स इक्वल टू जीरो पर हम डिफाइन कर देते वन, तब ये ग्राफ यहां आता और एक होल बनता। ये ग्राफ भी यहीं से शुरू होता होल के साथ, और एक्स इक्वल टू जीरो पर हम एक डॉट डालते वन ऊंचाई पे। अगर हम मॉडिक्स फंक्शन को इस प्रकार डिफाइन करते कि नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए मॉडिक्स का मतलब माइनस एक्स, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मॉडिक्स का मतलब प्लस एक्स, जीरो पे मॉडिक्स का मतलब वन, यानी मॉड जीरो का वैल्यू हम डिफाइन करते वन अगर, तो आपको x इक्वल टू जीरो लाइन पे जो डॉट बनाते वो वन यूनिट ऊपर बनाते, तब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता। x इक्वल टू जीरो पर आपको कलम उठाना पड़ता, उधर से ग्राफ बनाते हुए आते ओरिजिन तक, सडनली डॉट यहां बनाना पड़ता और फिर नीचे आकर के ग्राफ का बाकी हिस्सा को पूरा करना पड़ता। लेकिन मॉडिक्स को अगर हम इसी प्रकार डिफाइन किए हैं, x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू जीरो डिफाइन किए हैं, तब वो डॉट वहां नहीं बल्कि यहां होगा, और तब ऐसे स्थिति में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कलम नहीं खाना पड़ेगा। तब हमको मॉडिक्स फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करने से ज्यादा हैंडसम है कि हम ऐसे लिख दें ऐसे। दिस इज द मोस्ट हैंडसम मैनर इन विच अ मॉड फंक्शन कैन बी डिफाइंड। जैसे हम मॉड ऑफ टू का वैल्यू पूछें तो आपको इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहां पे इनपुट जो है वो एक नंबर है जीरो या जीरो से बड़ा, और आंसर टू डालना है। मॉड ऑफ माइनस थ्री पूछें तो इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है, यानी माइनस ऑफ माइनस थ्री जब आपने थ्री बोलना है, और मॉड ऑफ जीरो पूछें तो आपकी मर्जी दोनों में से कोई डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस ऑफ जीरो या सिर्फ जीरो, दोनों जीरो ही होता है। जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी जीरो ही रिटर्न होता है। दैट इज द मोस्ट हैंडसम डेफिनेशन ऑफ द मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन का डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और रेंज जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी। इस फंक्शन का वैल्यूज हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। हम इसके डोमेन में से एक नंबर लिए माइनस टू, आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, तो आप तुरंत टू बता देंगे आउटपुट। आप उल्टा पूछेंगे कि आउटपुट टू हो इनपुट बताइए, यानी कौन नंबर है इसके डोमेन में जिसके डालने पर ये टू रिटर्न करता है। इस बात का जवाब जब भी पूछे तो आपको एक इक्वेशन लिखना पड़ता है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू टू। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू बताना पड़ता है। ऑलवेज कोई भी फंक्शन में एक्स डालें और वाई पूछे आउटपुट, तो आप इस फंक्शन के डेफिनेशन में एक्स का वैल्यू डालिएगा, कैलकुलेट करके, बड़ी आसान है, आप आउटपुट बता दीजिए। और आउटपुट पूछ के इनपुट निकालने बोले तो आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो भी आउटपुट हम दें एक इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। और ग्राफ में इस बात का क्या महत्व है, हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना दें और एक्स इक्वल टू सेवन के लिए फंक्शन का वैल्यू पूछें तो आप वर्टिकल लाइन बनाएंगे x इक्वल टू सेवन, जहां जाके वो कर्व को कट करेगा उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वही पूछ रहे हैं। और अगर हम फंक्शन का वैल्यू कहें कि 3, एफ एक्स इक्वल टू 3 कब होगा, तो इस बार आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, y बराबर 3 हम दिए हैं, आउटपुट इक्वल टू 3। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे y बराबर 3, और ये जहां जहां x को कट करेगा कर्व को, उन पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट्स है वही है जो आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके लाते। जैसे मेरे इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, मॉड ऑफ x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू व्हाट, मतलब ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड निकालने पर 2 आता है। देयर आर टू सच नंबर्स, एक माइनस टू और एक प्लस टू, दोनों का मॉड लीजिएगा तो 2 ही आएगा। कोई भी फंक्शन पढ़ेंगे तो ये समस्या हमारे पास हमेशा रहेगा कि इनपुट दे दें डोमेन में से तो आउटपुट बता दीजिए, और आउटपुट दे दें तो इनपुट बता दीजिए। यही दूसरा सवाल जवाब देना कठिन होता है, लेकिन उसमें भी अगर आप रोबोट की तरह अपने दिमाग को प्रोग्राम करें कि उल्टा जवाब देने के लिए आपको एक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है,
जैसे अभी हम एक ही क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन ही था कि मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू 2 के बराबर हो, ऐसा कौन कौन एक्स है खोज के बताइए। ग्राफ में देखिए तो हम ये जानना चाहते हैं, हम वाई का वैल्यू दिए हैं 2, यानी वाई कोऑर्डिनेट 2, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं वाई बराबर 2, तो देर आर 2 पॉइंट्स जिनका वाई कोऑर्डिनेट 2 है, उनके करेस्पोंडिंग एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम लोकेट कर लें तो वही तो जवाब है इसका। देर आर एग्जैक्टली 2 इनपुट्स फ्रॉम द डोमेन जिसके करेस्पोंडिंग ये फंक्शन 2 रिटर्न करेगा। जैसे एक्स स्क्वायर फंक्शन का आउटपुट 4 कब होगा, तो आप एक्स स्क्वायर बराबर 4 इक्वेशन लिख करके और सॉल्व करना चूंकि जानते हैं इसीलिए आप कंफर्टेबल हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 ऐसे लिख देते हैं। आपको पता है कि देर आर 2 नंबर्स इन द डोमेन, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, इसके डोमेन में एग्जैक्टली 2 ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर 4 आता है, और इस जवाब को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर हम 5 पूछते तो यहां 5 लिखते और ऐसा जवाब देते। और चित्र के रूप में देखिए तो ये है एक्स स्क्वायर ग्राफ, हम y बराबर 5, इसको y बोलते हैं आउटपुट को और इनपुट को x, तभी तो यहां y और x लिखे हैं। तो y बराबर 5 के करेस्पोंडिंग x का वैल्यू क्या होगा, यानी इस ग्राफ पे जो जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 5 है, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं y बराबर 5, तो आपको तुरंत दिख जाता है कि देर आर 2 सच नंबर्स, 2 करेस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ x, और बराबर बराबर दूरी पर है दोनों ओरिजिन से, क्योंकि ये ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जितना दूर ये पॉइंट होगा दूसरा ही दूर ये पॉइंट होगा। तो जैसे आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना जानते हैं, 2x प्लस 3 बराबर 7 कब होगा, यानी 2x प्लस 3 ग्राफ और y बराबर 7, एक ऐसा पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 7 हो, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही पूछ रहे हैं। कभी भी लिखा हो मॉड ऑफ a, कोई एक रियल नंबर a है जिसका मैग्नीट्यूड b के बराबर है, तो हम तुरंत कहेंगे कि a का वैल्यू या तो प्लस b के बराबर है या माइनस b। अगर ये बात हम समझ गए तो अब हम कभी भी मॉड से रिलेटेड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस 5 नेवर पॉसिबल, इस फंक्शन का वैल्यू y बराबर माइनस 5 लाइन बनाइए तो कहीं भी ग्राफ को नहीं कट कर रहा है, यहां जो भी नंबर हम बोलेंगे वो नेसेसरीली इस फंक्शन के रेंज में से बोलेंगे। आउटपुट बोल रहे हैं माइनस 5 और आउटपुट कभी माइनस 5 रिटर्न ही नहीं करता है। अगर कहें कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस 5 कब होगा, सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालिए, तो आप तुरंत बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो सच रियल नंबर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर फंक्शन के रेंज में ही ये नंबर नहीं है। यहां आप वैल्यू बता रहे हैं ना एक्स स्क्वायर का, उसके रेंज में सिर्फ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। हम जब भी लिखेंगे यहां पे एक नॉन नेगेटिव नंबर लिखेंगे, अगर 5 लिख दिए मतलब आप तुरंत कहेंगे कि ऐसा तब x के स्थान पे या तो 5 है या माइनस 5 है। अगर इक्वल टू 0 लिख दिए, मॉड x बराबर 0, तो आप समझेंगे x बराबर 0, क्योंकि अब y बराबर 0 लाइन बनाइएगा तो वो ग्राफ को एक ही जगह कट करेगा, बाकी सब दो दो जगह कट करेगा। अगर हम कहेंगे मॉड ऑफ x इनइक्वालिटी बता रहे ग्रेटर देन 2, इसका जवाब दीजिए, या मॉड ऑफ x लेस देन 2 का जवाब दीजिए। तो मॉड ऑफ x लेस देन 2 का मतलब याद है y लेस देन 2, आप एक लाइन बनाइए y बराबर 2, इसके नीचे जो डॉट्स है ग्राफ का हिस्सा उनका y कोऑर्डिनेट्स 2 से कम है। यही तो हम जानना चाहते हैं कि सॉल्व करके बताइए कि इस फंक्शन का ग्राफ का y कोऑर्डिनेट्स 2 से कम कब कब होगा, एग्जैक्टली 2 कब होगा, एग्जैक्टली 2 कब होगा, 2 से कम कब होगा और 2 से बेसी कब होगा फंक्शन का वैल्यूज। तो इस भाषा को समझना है, कोई फंक्शन हम दे दिए ग्राफ बना दिए
हम कहे कि इस फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली वन कब होगा, तो आप वाई बराबर वन लाइन बनाएंगे और जहां जहां ये ग्राफ एक्स ग्राफ को कट करेगा ये लाइन, उन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहे हैं। अगर हम पूछें कि फंक्शन का वैल्यू एक से बड़ा कब होगा, तो हम देखिए फंक्शन का ग्राफ इस लाइन से ऊपर, एक्स का वैल्यू इतना से इतना के बीच में या इतना से इतना के बीच में अगर रखिएगा एक्स का वैल्यू, तो फंक्शन का वैल्यू वन से बेसी आएगा, तो आपको ये इंटरवल जवाब देना है। अब फंक्शन का वैल्यू एक से कम कब आएगा, तो देखिए इस लाइन से नीचे फंक्शन का ग्राफ एक्स इक्वल टू इतना से एक्स इक्वल टू इतना के बीच में फंक्शन का सारा वैल्यूज वन से नीचे है। कल हम लोग किए हैं ये सब, जब हम कह रहे थे कि फंक्शन का वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो कब होगा, लेस देन जीरो कब होगा, इक्वल टू जीरो कब होगा, तो आप वाई बराबर जीरो लाइन के रेस्पेक्ट में आपसे पूछ रहे थे कि ये फंक्शन किस इंटरवल में, इसके ऊपर होगा कब नीचे। अब यहां ग्रेटर देन टू बोल दिए तो वाई इक्वल टू टू लाइन बना लीजिए। हम जानना चाहते हैं कि इसका ग्राफ इस लाइन के ऊपर कब होगा, कौन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, कब इसके नीचे होगा, कब उतना के बराबर होगा, यानी कहां कट करेगा, यही जानना चाहते हैं। अगर आप भाषा समझ जाइएगा तभी जवाब दे पाइएगा। हम पूछे हैं कि मॉड ऑफ एक्स फंक्शन का जो वैल्यूज है वो दो से छोटा कब होगा, यानी मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ बना लिए, y बराबर टू लाइन बना लिए, उससे नीचे y कोऑर्डिनेट्स कब होगा। तो देखिए ये पोर्शन को देखिए, y कोऑर्डिनेट्स इस लाइन से नीचे है, यानी आप x का वैल्यू जब माइनस दो से दो के बीच में होगा, x का वैल्यूज जब माइनस दो से दो के बीच में होगा, तो फंक्शन का वैल्यूज दो से कम होगा। और समझ भी जाइए, यहां पे ओरिजिन है, हम पूछे हैं कि मैग्नीट्यूड दो से कम, यानी ऐसा कौन पॉइंट्स है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू यूनिट से छोटा है, तो माइनस टू से टू के बीच में जितना भी पॉइंट्स है उन सब का डिस्टेंस दो से कम है। यही तो लिखे हैं आप कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एवरी रियल नंबर लाइंग बिटवीन माइनस टू टू टू। और अगर हम पूछें कि मॉड एक्स का वैल्यू दो से बड़ा कब होता है, यानी रियल नंबर लाइन पे ऐसा कौन कौन नंबर्स है जिनका मैग्नीट्यूड दो से अधिक है, यानी जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दो से अधिक है, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस टू के बीच में कोई नंबर लीजिए उसका डिस्टेंस दो से अधिक है, या तो इसका जवाब होगा x belongs to, कई तरीका से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर x लेस देन माइनस टू और x ग्रेटर देन टू, हिंदी में बोले x का मान माइनस दो से छोटा हो या x का मान दो से बड़ा हो, ऐसी स्थिति में मॉड ऑफ सच नंबर्स दो से बड़ा होगा। या इसी को हम सेट के भाषा में लिखें, माइनस इंफिनिटी से माइनस दो यूनियन दो से लेके प्लस इंफिनिटी, या ग्राफ पे देखें y बराबर टू लाइन से ऊपर कब कब होगा इस फंक्शन का ग्राफ, यही तो पूछे हैं। तो देखिए x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू तक जब रखिएगा तो ग्राफ इस लाइन के ऊपर ही बनेगा, और फिर इस लाइन को कट करके नीचे आ जाएगा, और फिर कट करके ऊपर जाएगा, तो इस बात का जवाब ग्राफ में दिखता है, इस बात का जवाब भी ग्राफ में दिखता है, और इस बात का जवाब भी ग्राफ में दिखता है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि y बराबर 2 लाइन को ये ग्राफ कहां कहां कट करता है, उसका x कोऑर्डिनेट बताइए। इसका मतलब है कि y बराबर 2 लाइन से नीचे कब कब रहता है फंक्शन का ग्राफ, लेस देन वो इंटरवल्स ऑफ x बता दीजिए जो यहां हम लिखे। फंक्शन का वैल्यू माइनस दो से लेकर के तीन के बीच में कब लाई करेगा, जैसे मॉड का वैल्यू बताइए टू से लेकर के चार के बीच में कब होगा, तो इस सवाल का जवाब आप पहले मॉड फंक्शन का ग्राफ बना लीजिए। चलिए बना लीजिए, मॉड फंक्शन का ग्राफ तैयार हो गया,
और मॉड फंक्शन का वैल्यू दो से बेसी चार से कम, यानी वाई बराबर टू एक लाइन बनाइए और y बराबर चार एक लाइन बनाइए। यहां फोर है, यहां टू है, और देखिए कि फंक्शन का ग्राफ इन दोनों लाइन के बीच में, यही तो है बीच में y कोऑर्डिनेट। तो कब होगा? जब आपका वर्टिकल लाइन ये नंबर माइनस टू होगा, माइनस टू पे हाइट टू होता है, और ये नंबर माइनस फोर होगा। उसी तरह से ये इंटरवल दो और चार, यानी कि अगर x का वैल्यूज माइनस चार से माइनस दो के बीच में रखिएगा तो फंक्शन का वैल्यूज चार से दो से चार के बीच में लाई करेगा, या x का वैल्यूज, यानी इसका सॉल्यूशन सेट, अब आंसर लिख रहे हैं सीधे, इस इनइक्वालिटी का जवाब लिख रहे हैं कि ये बात सत्य होगा अगर x का वैल्यू माइनस चार से माइनस दो के बीच में हो या दो से चार के बीच में हो। अगर यहां इक्वालिटी देते कि मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू फोर बट ग्रेटर देन टू, तो हम इस टुकड़े में यहां होल बनाते, यहां डॉट, माने वाई कोऑर्डिनेट जिसका फोर है वो हम इंक्लूड करना चाहते हैं और उसका परछाई लेते एक्स एक्सिस पे, तो यहां होल, यहां डॉट, यहां डॉट, यहां होल, यहां डॉट, और तब जवाब ये नहीं लिखते, तब जवाब लिखते एक्स का वैल्यूज माइनस चार से माइनस दो इंक्लूडिंग माइनस चार, यूनियन दो से लेके चार इंक्लूडिंग चार, ऐसा लिखते हैं। यानी आप इस सवाल को नहीं बना रहे हैं, आप अनगिनत सवाल को बना रहे हैं। भविष्य में भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे और ऐसा सवाल पूछेंगे, एग्जैक्टली हम पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू बताइए दो से चार के बीच में कब रहेगा। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बाद में देखेंगे, पर यहां देखिए ये एक्स स्क्वायर फंक्शन है, हम इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, वन ऐड कर देंगे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू तीन से पांच के बीच में कब रहेगा। एक्स का वैल्यूज ढूंढ के बताइए, तो एक्स स्क्वायर के ग्राफ को देखिए और दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, y बराबर तीन और y बराबर पांच। ये पोर्शन में हम इंटरेस्टेड हैं, ग्राफ का वो हिस्सा जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। y कोऑर्डिनेट्स ग्रेटर देन थ्री बट लेस देन फाइव, दोनों तरफ होल बनाएंगे क्योंकि इक्वल नहीं कहीं लिखा है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके जो प्रोजेक्शन होता है x एक्सिस पे, यही पूछ रहे हैं कि कितना वैल्यूज ऑफ x कोऑर्डिनेट बताइए। अगर y कोऑर्डिनेट्स तीन से पांच के बीच में है तो इन सभी पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट कितना से कितना के बीच में है। अब ये नंबर है रूट थ्री, तभी तो उसका हाइट थ्री है, और ये नंबर है रूट फाइव, तभी तो इस होल का हाइट है फाइव, और सिमेट्री से उसके दूसरे पोर्शन का प्रोजेक्शन ऑन द x एक्सिस लीजिएगा, इसको शेड कर रहे हैं, यही मेरा जवाब है। x का वैल्यूज इतना से इतना के बीच में होगा तो y कोऑर्डिनेट्स इतना से इतना के बीच में होगा, माइनस रूट फाइव माइनस रूट थ्री, और हम लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लाइंग बिटवीन माइनस रूट फाइव से लेके माइनस रूट थ्री तक, यूनियन रूट थ्री से लेके रूट पांच तक। यानी आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हम ये मॉड से रिलेटेड इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखा रहे हैं, देन यू आर मिस्टेकन। यही सवाल किसी भी फंक्शन में पूछा जाएगा। सो द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, इट इज ओनली द फंक्शन विच कीप्स ऑन चेंजिंग, द क्वेश्चंस आर आइडेंटिकल। हम वही क्वेश्चन ही पूछेंगे और क्या पूछेंगे, फंक्शन के बारे में क्या पूछेंगे, इनपुट देके आउटपुट पूछेंगे, आउटपुट देके इनपुट पूछेंगे। कभी कह देंगे कि इनपुट हम चाहते हैं इतना से इतना के बीच में रखें, जैसे हम मॉड एक्स फंक्शन को डिफाइन कर दे रहे हैं, एक्स इक्वल टू माइनस वन से लेकर तीन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, बस एक फंक्शन है इक्वल टू मॉड एक्स, लेकिन सिर्फ इतना ही दूर के लिए। आ कहेंगे कि इसका ग्राफ बना दीजिए, तो अगली बार आप ग्राफ बनाएंगे इस फंक्शन का जब, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन से एक्स इक्वल टू तीन के बीच में आपको माइनस वन फंक्शन मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ तो पूरा होता है लेकिन हम सिर्फ इतना पोर्शन को बनाएंगे। हम एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं इस वाले फंक्शन का, मॉड एक्स
का ग्राफ बना दिए हैं, लेकिन हम सिर्फ माइनस वन से तीन के बीच में बनाए हैं और यहां पे डालेंगे डॉट, क्योंकि x इक्वल टू माइनस वन पे डिफाइंड है फंक्शन, और यहां डालेंगे होल। हाँ, इस होल का एक y कोऑर्डिनेट है, कितना y कोऑर्डिनेट है, x बराबर तीन डालने पर इसका वैल्यू तीन आएगा। और अब हम इस फंक्शन का रेंज पूछेंगे, यही सब करेंगे कि रेंज बता दीजिए, यानी सारा y कोऑर्डिनेट जो आया है वो जीरो से लेकर के तीन तक सारा वैल्यूज आया है, हम इस फंक्शन का रेंज पूछेंगे। तो आप इस तरह से जवाब लिखेंगे, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन विल लाई इन द सेट 0 to 3, 0 इंक्लूडेड है, यानी y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का है मेरे ग्राफ पे, बट 3 हमारे आउटपुट सेट में नहीं है। हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं मॉड ऑफ x, और आप इसका ग्राफ बना लेंगे, वी शेप का ग्राफ है, ये एक इवन फंक्शन है, यानी मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर निकालिए या मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर निकालिए, सेम x अगर है तो फंक्शन का वैल्यू भी सेम आता है। तो हम ऐसे फंक्शंस को डिफाइन किए थे, कहे थे कि इवन फंक्शन बोलते हैं, प्लस 5 पे वैल्यू फंक्शन का 5 है, माइनस 5 पे भी सेम है 5, और इसका ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक दिखता है अबाउट दी वाई एक्सिस, दिख भी रहा है। सो मॉड एक्स फंक्शन इज एन इवन फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल जीरो टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि हम अगर मॉड ऑफ एक्स फैक्ट्री में माइनस इन्फिनिटी से नंबर डालना शुरू करें, कुछ डाले माइनस 7, एक नंबर रिटर्न करेगा, अब हम माइनस 7 से बड़ा नंबर डाले माइनस 6, तो अब जो नंबर रिटर्न करेगा पहले से छोटा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग एक्स दिशा में मूव करते हैं द वाई कोऑर्डिनेट्स डिक्रीज करता हुआ मिलेगा। यानी कि अगर नेगेटिव दो नंबर है, से एक्स वन और एक्स टू दो नंबर है, इस चित्र में हम एक्स टू यहां दिखाए हैं, यानी एक्स टू एक्स वन दोनों नेगेटिव नंबर है, लेकिन एक्स टू अगर बड़ा है एक्स वन से, तो निश्चित रूप से हम पूछेंगे मॉड ऑफ एक्स टू और मॉड ऑफ एक्स वन में कौन बड़ा होगा। तो तुरंत आप इनइक्वालिटी साइन पलट के लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव साइड में दिस फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी इनपुट x1 डाले तो ये नंबर रिटर्न किया मॉड x1, इससे बड़ा नंबर डाले x2 तो अब ये नंबर रिटर्न किया मॉड x2, लेकिन अब पहले से छोटा नंबर रिटर्न करता है, ये मॉड x1 का वैल्यू है y कोऑर्डिनेट, और ये मॉड x2 का वैल्यू है जो पहले से छोटा। और यही अगर आप पॉजिटिव साइड में दो नंबर लेते हैं x1 x2, और अगर x2 x1 से बड़ा लिखा हो तो निश्चित रूप से मॉड ऑफ x2 का वैल्यू बड़ा होगा मॉड ऑफ x1 से, यानी कि इनइक्वालिटी साइन जस के तस रह जाएगा, नो चेंज। जैसे x1 ग्रेटर देन x2, x2 ग्रेटर देन x1, x1 x2 दो रियल नंबर है, तो बताइए 2x2 plus 3 और 2x1 plus 3 में कौन बड़ा होगा। यानी यूं समझना है कि 2x plus 3 एक फंक्शन है, इसमें हम एक बार x1 डालें, ये नंबर जो रिटर्न किया उसी को लिखते हैं, और x2 डालें तो जो नंबर रिटर्न किया उसको 2x2 plus 3 बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि अगर x2 बड़ा है x1 से, तो बताइए 2x2 plus 3 और 2x1 plus 3 में कौन बड़ा होगा। तो अगर आप इस फंक्शन का स्वभाव जानते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि इसमें इनपुट जैसे जैसे बड़ा और बड़ा और बड़ा डालते जाइएगा, ये आउटपुट भी और बड़ा और बड़ा और बड़ा रिटर्न करता जाएगा, तो आप तुरंत इनइक्वालिटी साइन को जस्ट कितना सुधार देंगे, यू विल नॉट कन्वर्ट इट, यू नॉट इन्वर्ट इट। यही अगर हम पूछते कि माइनस 3x2 plus 1 और माइनस 3x1 plus 1 में कौन बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा होगा कि ये नंबर बड़ा होगा, तो आप इनइक्वालिटी साइन पलट देते अगर आपको 3x plus 1 फंक्शन का मतलब पता हो। माइनस 3x plus 1 फंक्शन एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी आप इनपुट इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालिएगा तो आउटपुट डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करेगा। यही बात हर फंक्शन के लिए सत्य है, हम किसी भी फंक्शन के लिए यही सवाल पूछें, f ऑफ x एक फंक्शन है, हम यही सवाल पूछें कि इसमें x1 डाले नंबर आया f ऑफ x1, x2 डाले नंबर आया f ऑफ x2, अगर x2 बड़ा है x1 से तो बताइए f ऑफ x2 और f ऑफ x1 में कौन नंबर बड़ा होगा।
तो इसका जवाब बहुत आसान है देना। अगर आप इस फंक्शन को जानते हैं कि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप जवाब तुरंत दे देंगे। अगर ये फंक्शन का स्वभाव है इंक्रीजिंग स्वभाव, यानी इनपुट बड़ा करते जाइए तो आउटपुट भी बड़ा रिटर्न करता जाएगा, तो आप इनइक्वालिटी साइन जस्ट के तस कॉपी कर देंगे। और अगर पक्का पता है कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आप इसको इनइक्वालिटी को पलट देंगे। इट डिपेंड्स। तो जब भी कोई फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो उसका ये स्वभाव जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे हम अगर अभी आपको लिखें कि हम अगर दो नंबर लिखें x2 और x1, ना कहें कि x2 बड़ा है x1 से, तो बताइए चूंकि हम दोनों तरफ एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाए मॉड, मॉड ऑफ x2 एक नंबर होगा, मॉड ऑफ x1 एक नंबर होगा, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, इन दोनों में कौन बड़ा होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, x2 और x1 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो उस इंटरवल में इस फंक्शन का स्वभाव है डिक्रीजिंग, तब इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगा इफ बोथ x1 कॉमा x2 आर नेगेटिव नंबर्स। और अगर दोनों का दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, यानी दोनों इधर का ही लिया हुआ नंबर है, एक पांच एक सात, सात बड़ा है पांच से, तो बताइए मॉड सात और मॉड पांच में कौन बड़ा होगा, यही तो पूछ रहे हैं। तो इनइक्वालिटी साइन जस्ट के तस कॉपी कर देंगे अगर आपको पक्का पता है कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स है तो। लेकिन एक नंबर हम कह दें कि पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अब आप नहीं बता सकते। जैसे हम कहें कि एक नंबर यहां पे है x2 और एक नंबर है यहां x1, x2 पॉजिटिव साइड में है, अब बताइए मॉड ऑफ x2, यही है मॉड ऑफ x2, और मॉड ऑफ x1 में कौन बड़ा होगा? तो अभी जो चित्र बनाया है उससे ऐसा लग रहा है कि मॉड ऑफ x2 बड़ा है। नहीं नहीं, अगर x1 जो है जितना दूर है x2 उससे ज्यादा दूर पे x1 होता तो अब तो देखिए मॉड ऑफ x1 बड़ा है, यानी x2 यहां x2 बड़ा है x1 से, x2 इज अ बिगर नंबर, लेकिन मॉड ऑफ x1 बड़ा है मॉड ऑफ x2 से, इवन दो x2 इज ग्रेटर देन x1, बट मॉड ऑफ x2 इज लेस देन मॉड x1। और अगर ये इतना दूर नहीं यहां पे होता, यानी आप कोई निश्चित बात नहीं बोल सकते हैं। अगर एक दोनों नंबर इसके इंक्रीजिंग साइड में से चुना जाए तो आप निश्चित बता सकते हैं आउटपुट के बारे में कौन बड़ा होगा। अगर दोनों नंबर उसके डिक्रीजिंग साइड से चुना जाए तो भी बता सकते हैं, क्योंकि उधर आपको इसका स्वभाव पता है, वो डिक्रीजिंग स्वभाव का है। लेकिन एक नंबर इस तरफ से चुन लें और एक नंबर इस तरफ से, तो आप नहीं बता पाइएगा कि उसका आउटपुट कौन सा बड़ा होगा। ये डिपेंड करता है कि उन दोनों नंबर में से ओरिजिन से ज्यादा दूर कौन है, जो ज्यादा दूर होगा वहां पे ग्राफ ऊंचा होगा ज्यादा। हाँ, जैसे हम एग्जैक्टली नंबर दे दें, x2 का वैल्यू 7 है और x1 का वैल्यू -3 है, आप पूछें कि मॉड ऑफ 7 और मॉड ऑफ -3 में कौन बड़ा होगा, इसमें कोई शंका नहीं है आपको, वो तो हम नंबर ही बता दिया, 7 मॉड 7 इज 7 एंड मॉड -3 इज 3, तो ये बड़ा होगा इसे। क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये नहीं बताएं कौन सा नंबर है, केवल इतना बता दें कि इन दोनों में ई बड़ा है, तो क्या इतने से आप बता पाएंगे कि मॉड ऑफ x2 और मॉड ऑफ x1 में कौन बड़ा होगा? तो वो हम लोग सीखे कि तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कि हमको कुछ जानकारी चाहिए। अगर बता दीजिए कि दोनों पॉजिटिव नंबर है, हाँ अब बता देंगे, दोनों नेगेटिव नंबर है अब बता देंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बोल दीजिएगा तब नहीं बता पाएंगे कि कौन बड़ा होगा। यही बात स्क्वायर के लिए भी है, क्योंकि स्क्वायर का स्वभाव भी ऐसा ही है, वो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होता है, वो लगातार इंक्रीज या लगातार डिक्रीज नहीं करता है। अगर हमको दो नंबर दे दिया जाए x2 और x1 और कह दें कि x2 x1 से बड़ा है, तो बताइए स्क्वायर ऑफ x2 और स्क्वायर ऑफ x1 में कौन बड़ा होगा? अभी हम निश्चित रूप से अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है 7 और 5, तो 7 का स्क्वायर बड़ा होगा कि 5 का स्क्वायर बड़ा होगा, उसमें कोई शंका नहीं। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो उस तरफ पॉजिटिव हाफ में ये इंक्रीजिंग स्वभाव है, नंबर बड़ा तो फंक्शन का वैल्यू भी बड़ा होगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव नंबर है x2 यहां और x1 यहां, x2 बड़ा है x1 से लेकिन x2 स्क्वायर छोटा है x1 स्क्वायर से, क्योंकि इस हाफ में द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। एक इधर से नंबर ले लें एक इधर से, तो नहीं बता पाएंगे हम, जब तक कि वो नंबर ही नहीं हमको बता दीजिए। यही लीनियर फंक्शन में आसान था, अगर x2 और x1 दो नंबर है रियल नंबर लाइन पे, कोई भी दो नंबर, अगर x2 बड़ा है x1 से, तो ax2 plus b और ax2 plus x1 plus b में कौन बड़ा होगा, माने कोई लीनियर फंक्शन है ax plus b,
अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा? ए पे डिपेंड करता है। ए अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये पूरा फंक्शन ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्वभाव का होता है, तब निश्चित रूप से ए एक्स टू प्लस बी बड़ा होगा एक्स। और अगर नेगेटिव नंबर है तो पलट जाएगा इनइक्वालिटी से। ये लीनियर क्वाड्रेटिक मोड के लिए नहीं सब बात की है, ये सब बात की है किसी भी फंक्शन के बारे में ये सवाल पूछ सकते हैं कि फंक्शन के डोमेन में दो नंबर है x1 x2, x2 अगर बड़ा है x1 से तो फंक्शन का वैल्यू कहां पे बड़ा होगा? और ये जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको फंक्शन का स्वभाव पता हो। तो जो जो फंक्शन सीखते चले जाते हैं ना उसका स्वभाव भी सीखते चले जाते हैं। जैसे लीनियर फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ x स्लोप। क्वाड्रेटिक फंक्शंस x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए इसी लाइन पे अपना स्वभाव बदलता है। कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए माइनस इंफिनिटी से वहां तक डिक्रीज करेगा और फिर वहां से वहां तक इंक्रीज करेगा, ऐसा बोलेंगे अगर a पॉजिटिव हो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तब मुंह ऊपर होता है, अन्यथा ग्राफ का मुंह नीचे हो जाएगा, तब उल्टा कर देंगे, तब माइनस इंफिनिटी से माइनस बी बाई टू ए तक इंक्रीज करेगा और तब डिक्रीज करेगा। हम ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख दे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, हम इसका स्वभाव पूछे कि बताइए इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, तो माइनस बी बाई टू ए पे अपना स्वभाव बदलेगा, माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस सिक्स यानी एक्स इक्वल टू वन बाई सिक्स पे ये स्वभाव बदलेगा। ये पैराबोला होगा एक्स इक्वल टू वन बाई सिक्स, मुंह नीचे इस तरह से करके ग्राफ होगा। तो इसका स्वभाव बताने के लिए कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको देखें मुंह नीचे और एक्सिस याद पड़ जाए तो आप कहेंगे कि x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से x इक्वल टू वन बाई सिक्स तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग स्वभाव का है, x इक्वल टू वन बाई सिक्स से x इक्वल टू इन्फिनिटी तक ये डिक्रीजिंग स्वभाव का है। यानी अगर हम दो नंबर ले लें वन बाई सिक्स से बड़ा x1 और x2 इस हाफ में, तो x2 अगर बड़ा है x1 से तो जरा बताइए तो माइनस थ्री एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स टू प्लस वन, मैंने इस फंक्शन में हम डाले x के जगह x2, और थ्री एक्स वन स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन प्लस वन, इन दोनों संख्या में कौन बड़ा होगा? तो अगर आप वन बाई सिक्स से बड़ा है दोनों नंबर, इफ एक्स वन कॉमा एक्स टू आर बोथ नंबर्स ग्रेटर देन वन बाई सिक्स, तो उस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग स्वभाव का है, तो इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगा। अगर एक्स टू बड़ा है एक्स वन से तो एफ ऑफ एक्स टू का वैल्यू छोटा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन से। हम चाहते हैं कि टू टाइम्स मॉड एक्स का ग्राफ बनाए। ये एक फंक्शन डिफाइन कर दिए एफ ऑफ एक्स, तो ग्राफ जब बनाएंगे तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यूज ऑफ टू टाइम्स मॉड एक्स। तो कौन कौन नंबर्स प्लॉट करना है? जीरो कॉमा, अगर सिर्फ मॉड फंक्शन का ग्राफ बनाते तो इसके सेट में जो नंबर्स होता वो जीरो कॉमा जीरो होता, जीरो वन कॉमा वन होता, टू कॉमा टू होता, माइनस वन कॉमा वन, माइनस हाफ कॉमा हाफ, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब हम टू टाइम्स मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो अब इस फंक्शन में जीरो कॉमा क्या होगा? मॉड ऑफ जीरो इंटू टू वाई कोऑर्डिनेट, सब सारा वाई कोऑर्डिनेट अब दुगना हो जाएगा। अब एक्स इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन का वैल्यूज क्या होगा? मॉड ऑफ वन इंटू टू, यहां मॉड ऑफ वन था, टू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? मॉड ऑफ टू इंटू टू। यानी अगर मॉड एक्स फंक्शन का जो ग्राफ था वो ऐसा था, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, वन पे वाई कोऑर्डिनेट वन, टू पे वाई कोऑर्डिनेट टू, अब थ्री पे वाई कोऑर्डिनेट थ्री, हर वर्टिकल लाइन पे देयर इज अ यूनिक पॉइंट जिसका वाई कोऑर्डिनेट दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर एक्स। वही डॉट का तो वाई कोऑर्डिनेट है ना, वही तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉड के बजाय कोई और फंक्शन का ग्राफ बनाते तो x इक्वल टू थ्री लाइन पे आप डॉट यहां नहीं डाल के कहीं और डालते, डिपेंडिंग अपॉन वो फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करता है। सो इट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द डॉट्स
which is of importance. That represents the value of the function. अगर आप 2 times mod x का graph बनाना चाहते हैं तो अब यही dot 1 height पे नहीं बल्कि 2 height पे होगा, 2 height पे नहीं बल्कि 4 height पे होगा, 3 height पे नहीं बल्कि 6 height पे होगा, और अब इनको join कीजिएगा तो graph ऐसा बनेगा. यह है 2 times mod x function का graph. अगर ये था x square भी याद कीजिए, this was square of x का graph, तो ये था 2 times x square का graph. क्योंकि अब किसी भी x के corresponding x square function का value, ये जो ऊंचाई है ना graph का, वही function का जो value होता है उतना ही ऊंचा dot बनाते हैं. जब 2x square का graph बनाएंगे तो graph dots ऊपर चला जाएगा, इसीलिए graph थोड़ा पचका हुआ नजर आता है. 3 times x square का graph और पचका हुआ नजर आता है, और half times x square का graph, अब dot सब पहले जितना ऊंचाई पे था उसका आधा आधा ऊंचाई पे होगा, graph फैला हुआ नजर आता है. यही हम लोग अभी टेस्ट करके देख रहे हैं कि हम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं. So if I can plot the graph of mod x, V shape का graph है. ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के एंगल को बाइसेक्ट करता है 45 डिग्री, और उधर भी 45 डिग्री. तो हम इन दोनों लाइंस को बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. जो लाइंस बनाते हैं इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस. कलेक्टिवली दोनों को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये e है और यहां i है, ये प्लूरल है, बहुवचन. ये जो इस दो लाइन का जो एंगुलर बाइसेक्टर, एक ऐसे लाइन को कहते हैं जो एंगल को बीचों बीच बांटता हो. सो देयर आर 2 एंगुलर बाइसेक्टर्स. कोई भी एक जोड़ा लाइन दे दें, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इनके एंगुलर बाइसेक्टर्स का कहें कि चित्र बनाइए, एक इस को बाइसेक्ट करता हो ऐसा लाइन, और एक इस एंगल को बाइसेक्ट करता हो. दीज टू लाइंस आर कॉल्ड द एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लाइंस. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगुलर बाइसेक्टर्स है y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स. ये सब बात विस्तार से सीखेंगे हम लोग जब स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे होंगे. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चैप्टर है मैथ्स. जब हम मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ बना रहे थे तो एक वी शेप का ग्राफ आया था, दोनों एंगुलर बाइसेक्टर्स था कोऑर्डिनेट एक्सिस का, उन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस से 45 डिग्री और ये ग्राफ वाई एक्सिस से 45 डिग्री, तो उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था. लेकिन जब आप 2 टाइम्स मॉड एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, अभी भी ग्राफ का शक्ल वी शेप का आया है, लेकिन अब पहले की तुलना में वी थोड़ा पचका हुआ है. 3 टाइम्स मॉड एक्स का वी और पचका होगा, क्योंकि डॉट सब और ऊपर उठ जाएगा. माइनस 2 टाइम्स मॉड एक्स का ग्राफ बोलने की बनाइए, तो अब y कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव नंबर्स होगा, 0.0 होगा, 1.-2, 2.-4. यानी अगर ये ग्राफ था y बराबर 2 mod x का, इसी का मिरर इमेज हम ले लें y x x एक्सिस में, उसी ग्राफ को अगर हम पलट दें तो हमको अब y बराबर -2 टाइम्स mod x का ग्राफ मिल जाएगा, जैसे y बराबर -2x² का ग्राफ बनाते थे. किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर बना हो x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b के बीच में ग्राफ बना हो, ये y बराबर f ऑफ x, यानी इस ग्राफ पे जो किसी भी x के करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट है वो इक्वल टू है वैल्यू ऑफ सम फंक्शन जिसका नाम है f ऑफ x, तो ग्राफ बन गया. अब अगर कहें कि y बराबर माइनस f ऑफ x का ग्राफ बनाइए, अब y कोऑर्डिनेट्स पहले फंक्शन का वैल्यू निकाल के उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके अब
अगर इस ग्राफ पे x1 के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट y1 था, x2 के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट y2 था, अब इसका ग्राफ बनाइएगा तो x1, x इक्वल टू x1 लाइन पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस y1 होगा और इस पे माइनस y2 होगा। यानी जो जो पॉइंट्स ग्राफ पे x एक्सिस से ऊपर था वो नीचे चला जाएगा और जिसका y कोऑर्डिनेट नीचे था माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ऊपर चला जाएगा। यानी ग्राफ अब ऐसा बनेगा, y बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ अगर बोलने की बनाइए तो फील कीजिए इस बात को कि अब सारा y कोऑर्डिनेट्स एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो नंबर पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो जाएगा और जो y कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर कोई y बराबर 2 टाइम्स मॉड x फंक्शन का ग्राफ बना सकता है तो माइनस 2 टाइम्स मॉड x का ग्राफ बनाने बोले तो सिर्फ मिरर इमेज लेना है इन दी x एक्सिस। अगर हमको मॉड ऑफ x माइनस 3 फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो अभी हम y बराबर मॉड x का ग्राफ बनाए हैं, अब बनाना है y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ। तो सिर्फ इस ग्राफ को 3 यूनिट्स घसकाना है टुवर्ड्स राइट। ये भी पॉइंट मार्क करना होगा, कोई भी फंक्शन का ग्राफ जब बनाते हैं तो उसका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट तो मार्क करना ही होता है, और वो कैसे ढूंढते हैं सो भी सीखा है। y बराबर f ऑफ x, ये एक रिलेशन है बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स। x का वैल्यू दीजिए तो y का वैल्यू बता देंगे और y का वैल्यू दीजिए तो y x का वैल्यू बता देंगे। x इंटरसेप्ट मतलब y का वैल्यू जीरो, y बराबर जीरो डालेंगे सॉल्व करेंगे, और y इंटरसेप्ट मतलब x बराबर जीरो डालेंगे y कोऑर्डिनेट में। तो हम इस ग्राफ का अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना चाहें तो टू फाइंड x इंटरसेप्ट हम y के जगह जीरो डालेंगे, एक ही क्वेश्चन आएगा मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स जीरो, विच मींस हम लोग ये जानते हैं कि मॉड ऑफ a बराबर b लिखा हो तो दिस मींस द नंबर a इज आइदर इक्वल टू प्लस b और इट इज इक्वल टू माइनस b। दिस मींस ये a है ये b है, a इज आइदर इक्वल टू प्लस जीरो और माइनस जीरो, इस केस में सिर्फ जीरो, अगर यहां इक्वल टू टू लिख देते तो प्लस, और इस तरह से आप पता लगा लिए x इक्वल टू थ्री पे ये x एक्सिस को कट करेगा। ये है x इंटरसेप्ट जो हम लोग समझ गए थे 3 यूनिट्स का घसकाना है, बट स्टिल एंड टू फाइंड द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ, इस फंक्शन का इस रिलेशन का ग्राफ का y इंटरसेप्ट, तो x की जगह जीरो डालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। x की जगह जीरो डालिए, जीरो में माइनस थ्री ऐड कीजिए, माइनस थ्री आ गया, उसका मॉड निकालिए थ्री आया, तो y का वैल्यू थ्री आ रहा है, दिस इज द पॉइंट थ्री। अब ये y एक्सिस को कट करेगा एट हाइट थ्री। ये है ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड ऑफ x माइनस थ्री। इस फंक्शन का डोमेन पूछें और रेंज, डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर्स। काहे सोचिए, काहे डिफाइंड है? इस फंक्शन को समझना जरूरी है, इस फंक्शन का फ्लो चार्ट बना रहे हैं, यानी आप जो जो मन में कैलकुलेशंस करते हैं ना वो दिखाते हैं एक सर्किट डायग्राम के रूप में। x जब डाता है आपके दिमाग में और आपको कैलकुलेट करना है मॉड ऑफ x माइनस 3 का वैल्यू, तो पहले आप इनपुट को किस फैक्ट्री में ले जाते हैं? आप x माइनस 3 फैक्ट्री में ले जाते हैं। इस फैक्ट्री का काम है माइनस थ्री ऐड कर देगा x में बस। अब यहां से जो नंबर निकलेगा उसको मॉड फैक्ट्री में ले जाते हैं मॉड ऑफ x। अब देखिए आपको निकलेगा मॉड ऑफ x माइनस 3 का वैल्यू, चेक करके देखते हैं। x डालिए, जो नंबर डालिए, 5 डालिए, यहां से 5 माइनस 3 रिटर्न होगा, और फिर उस नंबर को यहां डालिए। ये फैक्ट्री के ऊपर लिखा है कि क्या करता है ये फैक्ट्री, ये जो भी इनपुट डालिएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल के रिटर्न करेगा, दैट इज ऑल दैट इज रिटन हियर।
इसमें लिखा है कि जो भी इनपुट डालिएगा उसमें माइनस थ्री एड करके ये रिटर्न करता है। हम लोग एग्जैक्टली यही सब काम कर रहे होते हैं ब्रेन में। एक्स डालिएगा तो यहां एक्स माइनस थ्री निकलेगा, और अब एक्स माइनस थ्री घुसेगा इस फैक्ट्री में, एक्स के स्थान पर यह नंबर पुट डालना है, तो यहां मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री निकलेगा, यानी यह फंक्शन का फ्लो चार्ट सही है। अगर हम एक फंक्शन बनाते मॉड एक्स माइनस थ्री, तो इसका फ्लो चार्ट क्या होता? अब कोई भी इनपुट एक्स घुसता तो पहले वो मॉड एक्स फैक्ट्री में घुसता, और फिर जहां से नंबर निकलता वो एक एक्स माइनस थ्री फैक्ट्री में ले जाते। इस फैक्ट्री का इतना ही काम है कि जो जाएगा अंदर उसमें माइनस थ्री एड करके रिटर्न कर देगा, यही लिखा है। अब ये फैक्ट्री का फ्लो चार्ट डिफरेंट है। देखिए आप कैलकुलेट करके, हमको इस फंक्शन का वैल्यू चाहिए फॉर एक्स इक्वल टू फाइव, हम इसका कोई नाम रख दें एफ ऑफ एक्स, तो हम एफ ऑफ फाइव लिखते हैं, यानी एक्स के जगह पांच डालने पर क्या आंसर आएगा। तो अब देखिए यही सब करते हैं, पहले मॉड निकालते हैं पांच का, पांच आया, और फिर पांच में ऐड करते हैं माइनस थ्री, और आप आंसर बोलते हैं दो। तो जो आप करते हैं उसी को हम यहां पे इस तरह से दिखाते हैं, इसको कहते हैं फ्लो चार्ट ऑफ द फंक्शन। आप एग्जैक्टली यही कर रहे होते हैं ब्रेन। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस फैक्ट्री का डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या है, यानी कि कौन कौन नंबर इस फैक्ट्री में घुस सकता है, कौन कौन नंबर इस फैक्ट्री में घुस सकता है। तो रास्ते में जितना भी फैक्ट्रीज मिलता जाएगा ना, यहां पे नंबर घुसा, अब यहां से जो निकला उसको फिर किसी फैक्ट्री में घुसना है, तो इस फैक्ट्री का डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या है मालूम होना चाहिए पहले। एक एक फैक्ट्री का, एक्स माइनस थ्री फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन है ऑल रियल नंबर्स, अर्थात इस फैक्ट्री में कोई भी रियल नंबर अलाउड है। अब यहां से जो नंबर निकलेगा, कोई रियल नंबर निकलेगा, अब उसको मॉड फैक्ट्री में घुसना है। मॉड फैक्ट्री इज डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर, यानी कि कोई गेट पास नहीं लगा हुआ है कि अगर ये नंबर पॉजिटिव होगा तभी हम काम करेंगे, नेगेटिव होगा तो नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह, ऐसा कोई यहां पे नेसेसरी कंडीशन नहीं लगा हुआ है, फ्री एंट्री है। तो ये जो फंक्शन बनाए हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, ये दो फंक्शन को मिला के बनाए हैं, एक लीनियर मॉड ऑफ अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, ये लीनियर फंक्शन है एक्स का। पहले आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आप फिर उस नंबर का मॉड लेते हैं, क्योंकि दोनों फंक्शन डिफाइंड है फॉर एनी रियल नंबर्स किसी के लिए। जैसे हम अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री इस तरह का कोई फंक्शन बनाए, तो इस फंक्शन का फ्लो चार्ट में पहले आप जो भी इनपुट घुसेगा उसको इस फैक्ट्री से गुजरना होगा, उसमें माइनस थ्री एड होगा, फिर जो नंबर यहां रिटर्न होगा उसको स्क्वायर रूट फैक्ट्री में घुसना होगा, अब फाइनल आंसर निकलेगा, वो हमारे इस फंक्शन का वैल्यू होगा। देखिए हम अगर इस फंक्शन का नाम रख दें जी ऑफ एक्स, और कहें जी ऑफ सेवन का वैल्यू बताइए, तो आप पहले सेवन में माइनस थ्री एड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फोर, और फिर फोर का स्क्वायर रूट लेंगे और आंसर देंगे टू। तो इस फैक्ट्री का फ्लो चार्ट ये है। अब हम पूछें कि बताइए तो इस फैक्ट्री का डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या है, यानी कि कौन कौन नंबर यहां से अलाउड है घुसना, सब नहीं घुस सकता। देखिए हम आपको दिखाते हैं, हम एक्स इक्वल टू डाल रहे हैं नंबर माइनस टू, हम एक्स इक्वल टू माइनस टू के लिए इस फंक्शन का वैल्यू चाहते हैं कि आप कैलकुलेट करके बताइए, डालिए माइनस टू, माइनस थ्री एड करके यहां माइनस फाइव आ गया। अब यहां पर एक दरबान खड़ा है जो कह रहा है कि सच नंबर्स आर नॉट अलाउड, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड, यानी इस फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन पूछें कि कौन कौन नंबर्स के लिए ये डिफाइंड है। तो ये बना है दो फंक्शन का, एक लीनियर जिसको कोई परेशानी नहीं है, इसमें जो चाहे घुस जाए, फ्री एंट्री है, नो गेट पास, लेकिन इसको परेशानी है, इस फंक्शन में सिर्फ अलाउड है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑल रियल नंबर्स नहीं हो सकता है इस फैक्ट्री का। इस फैक्ट्री का डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑल रियल नंबर्स है, बिना किसी हम फ्लो चार्ट के बनाए भी हम बता देंगे जवाब को। क्यों? क्योंकि इस फैक्ट्री का बनावट जो है ना, वो दोनों फंक्शन हमको दिख रहा है, इट इज मॉड ऑफ अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स पहले एक लीनियर फैक्ट्री में घुसेगा,
वो नंबर एक मॉड फैक्ट्री में घुसेगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, ये नंबर पहले मॉड फैक्ट्री में घुसेगा और अब वो एक लीनियर फैक्ट्री में घुसेगा। बट ठीक है, इन दोनों फंक्शंस का जो कंपोजिशन है, हम कंपोज कर रहे हैं, फंक्शंस को बना रहे हैं आपके लिए, तो अगर हम ये मॉड फंक्शन और लीनियर फंक्शन को कंबाइन करके बनाए हैं और डोमेन ऑफ डेफिनेशन पूछ रहे हैं, तो बेहिचक बोलेंगे ऑल रियल नंबर्स। थिंक अबाउट इट, व्हाई? क्योंकि दोनों फंक्शन को हम लोग डिफाइन किए थे फॉर ऑल रियल नंबर्स। सो एनी फंक्शन क्रिएटेड यूजिंग दीज टू फंक्शंस का डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी होगा ऑल रियल। चिंता तब होता है ना जब हम किसी ऐसे फंक्शन, यहां पे दो फंक्शन का इस्तेमाल हुआ है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन और एक लीनियर फंक्शन। स्क्वायर रूट ऑफ अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे बोलते हैं इसको। अगर हम इसके स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक फंक्शन। अब इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स, यानी इस फंक्शन का फ्लो चार्ट बोलेंगे कि बनाइए। तो पहले आपका इनपुट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू फैक्ट्री में घुसेगा और यहां से जो नंबर निकलेगा वो स्क्वायर रूट फैक्ट्री में घुसेगा। अब चिंता हो गया कि ये कौन कौन रियल नंबर्स इस फैक्ट्री में घुस सकना अलाउड है, क्योंकि यहां पे जो फैक्ट्री में आगे चल के स्टेज में, कोई भी स्टेज पे अगर एक ऐसा फंक्शन आप इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जो ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है, तो वहां चिंता है कि यहां से जो रिटर्न होगा, ऐसा ना हो कि अब ये फैक्ट्री डिसअलाउ कर दे। तो इस फैक्ट्री में सिर्फ उन्हीं नंबर्स को डालेंगे जो पूरे स्टेज में कहीं पे भी परेशानी नहीं हो। तो उसी को ढूंढना होता है जब हम कहते हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फलनवा फंक्शन, चिलनवा फंक्शन। लेकिन आप इन फंक्शंस का डोमेन तभी ढूंढ पाएंगे जब अलग अलग इसका डोमेन पता हो। लीनियर फंक्शन का डोमेन तो हम लोग को पता है, और रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, क्वाड्रेटिक सबके लिए डिफाइंड है, इसे पता होना चाहिए कि यहां पे भी अलाउड है कि नहीं, यहां फ्री है, जिसको मन में घुस जाए। ये पता है क्योंकि हम लोग पहले से ये सब फंक्शंस पहले से डिफाइन कर करके टेबल में जमा कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक ऑल रियल नंबर्स, लीनियर ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, मॉड फंक्शन ऑल रियल नंबर्स, रूट फंक्शन ओनली फॉर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। रूट फंक्शन का ग्राफ एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू प्लस इंफिनिटी के बीच में ही बनाते हैं, 0, 0, 1, 1, 2, √2 विच इज 1.414, 3, 1.732, 4, 2 हाइट पे एक डॉट बनेगा, 1 लाइन पे 1 हाइट पे, 2 हाइट पे 1, 2, x इक्वल टू 2 लाइन पे 1.414 हाइट पे डॉट बनेगा, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू √2, x इक्वल टू 3 लाइन पे जो डॉट बनेगा 1.7, यही अगर स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बनाते तो इस लाइन पे 9 हाइट पे डॉट बनाते, 3, √4, इस तरह का ग्राफ बनता है रूट एक्स का, इंक्रीजिंग है लगातार, जैसे जैसे वैल्यूज ऑफ एक्स बड़ा और बड़ा डालते जाइएगा, रूट फंक्शन का वैल्यू भी बड़ा और बड़ा और बड़ा रिटर्न, रूट फाइव से बड़ा है रूट सिक्स, रूट सेवन पे हाइट होगा रूट सेवन, वो रूट सिक्स से बड़ा होगा, बीच बीच में भी डॉट्स है, 3.1 पे जो डॉट होगा x इक्वल टू 3.1 लाइन पे, वो डॉट x इक्वल टू 3 लाइन के डॉट से ऊपर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3.1 का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 से थोड़ा बड़ा होगा, यानी एक स्क्वायर रूट फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका चित्र ऐसा है, उधर नहीं बनता है। हम जब पूछेंगे ना कि इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन बताइए, तो तभी बता पाएंगे जब आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आता हो। बनाना नहीं पड़ता है फ्लो चार्ट, दिमाग में समझना होता है कि अच्छा हम स्क्वायर रूट किसका निकालने जा रहे हैं, एक्स का नहीं, एक्स माइनस थ्री का, एक्स घुसा एक्स माइनस थ्री निकला, अब ये नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब आप बता देंगे
अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना जानते हो तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा रखना होगा हमको, तभी जा करके ये फैक्ट्री काम कर पाएगा। तो इस फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन पूछें क्या है, तो आप लिखेंगे 3 से लेकर +∞ तक का कोई भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। इसके लिए इतना करना नहीं होता है, देख के बता देंगे। यहाँ x का वैल्यू अगर 3 से छोटा डालिएगा तो इस फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल नहीं सकते। यानी अगर आपको x-3 फंक्शन का साइन स्कीम पता हो, ऐसे बनाते थे ना साइन स्कीम, x-3 फंक्शन का साइन स्कीम, यानी इस फंक्शन में x के जगह कौन कौन नंबर्स डालने पर ये पॉजिटिव वैल्यूज रिटर्न करेगा, कौन कौन नंबर डालने पर ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यूज रिटर्न करेगा, क्या डालने पर ये फंक्शन 0 रिटर्न करेगा। तो x=3 डालने पर इस फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, 3 से बड़ा कोई नंबर डालिएगा तो फंक्शन का वैल्यूज पॉजिटिव होगा, और 3 से छोटा। इस तरह का एक चित्र बनाते थे हम लोग, उसको कहते हैं साइन स्कीम। तो चूंकि आपको इस लीनियर फंक्शन का साइन स्कीम पता है, यानी ये पता है कि ये फंक्शन का वैल्यूज कब पॉजिटिव रहता है कब नेगेटिव, तो आप तुरंत बता दीजिएगा इसका डोमेन, क्योंकि इसको तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन परेशान कर देगा। सो दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। इसको बना के देखें, यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर में ये लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नहीं लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी एक्स जब घुसेगा तो पहले ये कैलकुलेट होकर के यहां एक नंबर निकलेगा, इसको घुसना है स्क्वायर रूट फैक्ट्री में, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जैसे आप यहां इनइक्वालिटी लिखें, इस फंक्शन का जब पूछेंगे ना डोमेन ऑफ डेफिनेशन बताइए, तो आप ऐसा एक इनइक्वालिटी लिखेंगे कि दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, और फिर सॉल्व करके जवाब लाएंगे और तब डोमेन लिखेंगे। उसी प्रकार हम इस फंक्शन का अगर डोमेन ऑफ डेफिनेशन कहें कि लिखिए, तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। ये नंबर जिसका रूट निकालने जा रहे हैं आप, वो नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही तो पढ़े थे हम लोग रूट के बारे में, क्या पढ़े थे कि रूट ऑफ एक्स अगर निकालना हो तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेवकूफ एक्स में फंसा रहेगा, होशियार समझेगा कि यहां लिखा है रूट ऑफ एनीथिंग अगर लिखा हो तो दैट एनीथिंग मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव नंबर। तो यहां आप रूट ऑफ कुछ लिखे हैं तो दैट कुछ मस्ट बी अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर पाए, यानी ये पता लगा पाए कि इस फंक्शन का वैल्यूज कब पॉजिटिव रहता है कब नेगेटिव, जो कि हम लोग सीखे हैं फिर सिखा रहे हैं, हम लोग इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जीरोस ढूंढ लेते हैं। पहले इस तरह से लिख के इसका जीरोस, तो हम लोग x=3±9-8/2 3±9-8 1 का स्क्वायर रूट 1/2 3-1 2/2 3+1। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ एक पैराबोला होगा, मुंह ऊपर, एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, ऐसा होगा। अब साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन का वैल्यूज कब कब पॉजिटिव जवाब लिख रहे हैं, इस इनइक्वालिटी का जवाब। एक्चुअली में हम इस फंक्शन का साइन स्कीम ही बना देते हैं हम लोग, x=2 से बड़ा कोई भी नंबर डालने पर ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज रिटर्न किया था, और 1 से 2 के बीच में हमको इंटरेस्ट है कि ये फंक्शन का वैल्यूज कब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो हम इस तरह से शेड कर देंगे, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन यही था ना कि ये फंक्शन का वैल्यूज कब कब ग्रेटर देन या इक्वल टू 0।
माइनस इन्फिनिटी से वन तक कोई भी नंबर डालिए इस फंक्शन में, वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। या दो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर डाल के देखिए एक्स के स्थान पे, ये पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा। एग्जैक्टली वन डालने पर ये जीरो रिटर्न करेगा, टू डालने पर जीरो, और वन से टू के बीच में कोई भी नंबर डाल के एक्स के स्थान पे कैलकुलेट कीजिएगा तो फंक्शन का वैल्यूज नेगेटिव आएगा। इसी को कहते हैं साइन स्कीम। इसी को हम लोग एक और तरीका से सॉल्व कर सकते थे। अगर हम इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को कब जीरोस ढूंढ लिए तो हम इसी फंक्शन को आइडेंटिकली लिख सकते थे प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स के रूप में। ये स्पेशली सीखे थे कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर हम इसका जीरोस ढूंढ ले, यानी ऐसा एक्स का वैल्यूज जहां पे इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता हो से अल्फा बीटा, तो हम इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को एक प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 गुने x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम फंक्शन है। और अब हम इसका साइन स्कीम बना सकते हैं। ये फैक्टर अपना, हमको इसका साइन स्कीम बनाना है, तो ये लीनियर फैक्टर का साइन चेंज होता है एट x इक्वल टू 1, और इस लीनियर फंक्शन का साइन चेंज होता है एट x इक्वल टू 2। ये हम लोग जानते हैं लीनियर फंक्शन के बारे में। x के जगह पे 2 से बड़ा नंबर डाल के देखिए इसमें, तो ये पॉजिटिव नंबर्स रिटर्न करेगा और ये भी पॉजिटिव नंबर्स, एंड पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव करके आप जवाब ढूंढिएगा तो पॉजिटिव नंबर। अब आगे हम यही बताए हैं कि ऑल्टरनेट हो जाता है फंक्शन का साइन। अब 2 से थोड़ा छोटा नंबर डालिए लेकिन 1 से बड़ा, तो ये तो अभी भी पॉजिटिव वैल्यूज रिटर्न करेगा, अब ये नेगेटिव, एंड पॉजिटिव इनटू नेगेटिव ये गेट नेगेटिव। अब आप देखिए कि क्वेश्चन क्या था, कि ये कि कब कब ये ग्रेटर देन जीरो रहता है या इक्वल टू जीरो। तो अब हम शेड करेंगे, वंस दी साइन स्कीम इज मेड तब हम शेड, यानी आप इस फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन पता लगा लिए कि दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स नॉट लाइंग बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर को छोड़ के बाकी किसी भी रियल नंबर के लिए ट्रू है, ऐसे लिख सकते हैं एक्सेप्ट 1, 2। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, याद कीजिए सेट के भाषा में a माइनस बी, सेट a में से b निकाल दिए। या इसी को लिख सकते थे माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक का सारा रियल नंबर्स यूनियन 2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक के सारे रियल नंबर्स के लिए मेरा एच एक्स फंक्शन डिफाइंड है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ये जानेंगे तब ना कि एक्स बराबर कितना से एक्स बराबर कितना के बीच में ये फंक्शन का ग्राफ लाई करेगा। तो चूंकि लीनियर फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एंड मॉड फंक्शन इज ऑल्सो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ग्राफ एक्सटेंड करेगा। और रेंज इसका वही होगा जो मॉड एक्स का रेंज है। काहे? क्योंकि मॉड एक्स का जो ग्राफ था, अब मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाते वक्त उस ग्राफ को सिर्फ ऐसा ऐसी घसकाए थे, ऐसा ऐसी नहीं घसकाए। रेंज होता है जिस हॉरिजॉन्टल लाइन से जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ग्राफ लाई करता है, और डोमेन होता है जिस वर्टिकल लाइन से जिस वर्टिकल लाइन के बीच में ग्राफ एक्सटेंड करता है। तो आप मॉड एक्स का ग्राफ को एक्स एक्सिस के अलोंग घसकाए हैं, ऊपर नीचे नहीं घसकाए हैं। तो इस फंक्शन का रेंज, यानी इस फैक्ट्री में चलिए ऑल रियल नंबर्स डालना अलाउड हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डालते जाएंगे, झोला यहां जमा करते जाएंगे, उसमें कौन कौन नंबर्स दिखेगा। तो ग्राफ भी दिख रहा है आपको, ये ग्राफ है मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 का, इसका रेंज है 0 से लेके ऑनवर्ड, ये ग्राफ मिटा रहे हैं, इसका रेंज ये अनंत ऊपर उछलता चला जाएगा, दी वाई कोऑर्डिनेट्स विल लाई बिटवीन 0 टू प्लस इन्फिनिटी। और अगर हम कहें कि मोड ऑफ एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाइए, ये मेरा तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सब हम लोग पहले सभी फंक्शंस में, ये सब किसी भी फंक्शन के लिए ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा कर दें, एफ ऑफ एक्स
माइनस अल्फा या बीटा कर दें तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन से माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन करने से ग्राफ में क्या फर्क पड़ जाता है। जो मॉड एक्स का ग्राफ बना लेगा वो मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, यानी हर वाई कोऑर्डिनेट जो भी था पहले अब उसमें माइनस थ्री ऐड करना है, पूरा ग्राफ ही अब थ्री यूनिट्स नीचे शिफ्ट कर जाएगा, शक्ल वही रहेगा, कॉन्ग्रुएंट है ये, लेकिन अब थ्री यूनिट्स नीचे घसक जाएगा। लेकिन ये सब मार्क करना होगा, ये सब पॉइंट्स मार्क करना होगा। तो करें एक्स के जगह जीरो डालें तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया मॉड जीरो माइनस थ्री, दिस इज माइनस थ्री वाई कोऑर्डिनेट, और वाई के जगह जीरो डालें दिस लाइन इज वाई बराबर जीरो, तो मॉड एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो इक्वेशन को सॉल्व करें, यानी दोनों तरफ थ्री ऐड कर दें, एंड मॉड एक्स इक्वल टू थ्री मतलब हम लोग जानते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री और माइनस थ्री, तो हम लोग दोनों वैल्यूज मार्क कर दिए, द ग्राफ इज कंप्लीट। अगर इसी ग्राफ को मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री और मॉड एक्स माइनस थ्री का आइडेंटिकल फंक्शन कहें कि लिखिए, यानी लीनियर फंक्शन का दो टुकड़ा, तो क्या होगा? जो इस डेफिनेशन को समझा है वही समझ पाएगा। मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन था ये, अब फिर बेवकूफ का सारा ध्यान एक्स पे है, होशियार का ध्यान है कि मॉड ऑफ एनीथिंग, अभी हम स्टार लिख देंगे, कभी वहां पे हाथी लिख देंगे, मॉड ऑफ हाथी इज इक्वल टू माइनस हाथी इफ हाथी इज अ नेगेटिव नंबर, एंड इट इज इक्वल टू हाथी इफ हाथी इज अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही लिखा है वो, यानी एक्स से बाहर निकलिए एक्स के जंजाल से। बड़ी परेशान हो जाइएगा अगर आप इस बात को नहीं समझिएगा कि एक बात बोलना चाह रहे हैं, एक्स सिर्फ एक डमी है, डमी वेरिएबल, तो मॉड ऑफ समथिंग बराबर क्या लिखें, इक्वल टू लिखिए माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री इफ एक्स माइनस थ्री, ये लिखा इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इफ एक्स माइनस थ्री इज अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी दिस फंक्शन इज आइडेंटिकल टू दिस इफ एक्स इज अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, एंड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो थ्री माइनस एक्स लिख सकते हैं, या माइनस एक्स प्लस थ्री इफ एक्स इज अ नंबर लेस देन इक्वल टू थ्री। आप देख लीजिए ये फंक्शन और ये आइडेंटिकल फंक्शन है, आप निकाल के देखिए वैल्यू। हम इस फंक्शन का वैल्यू नाम दे दें एफ ऑफ एक्स और इस फंक्शन का नाम दे दें जी ऑफ एक्स, प्लीज चेक वेदर दीज टू आर आइडेंटिकल और नॉट। और मॉड एक्स माइनस थ्री का मतलब, यहां मॉड एक्स का मतलब है माइनस एक्स इफ एक्स इज अ नेगेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो, और उसमें माइनस थ्री ऐड करना है। मॉड एक्स का मतलब है एक्स और उसमें माइनस थ्री ऐड करना है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दोनों में बहुत अंतर है। यहां मॉड ऑफ एक्स, अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस थ्री लिखा हो, कहें कि इसका आइडेंटिकल फंक्शन बनाइए, ग्राफ बनाइए, तो हम अगर x प्लस टू एक नेगेटिव नंबर हो और अगर x प्लस टू एक पॉजिटिव नंबर हो, यही दो सिचुएशन है जहां पे इस फंक्शन का डेफिनेशन दो डेफिनेशन बन जाता है। किस जगह पे डेफिनेशन बदलता है मॉड फंक्शन का, जहां पे वो जो इसको हम एक नया शब्द आपके जीवन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट, मॉड ऑफ कुछ बोल रहे हैं तो उसको हम मॉड फंक्शन का आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, एक नया शब्द आपके जीवन में, यानी मॉड फैक्ट्री में जिसको घुसना है वो एक्स को नहीं घुसना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री लिखा है तो दी एक्सप्रेशन एक्स माइनस थ्री को हम कहेंगे कई बार, या बोलेंगे कि इस फंक्शन में मॉड का आर्ग्यूमेंट क्या है, यानी मॉड फैक्ट्री में कौन घुसने वाला है, नॉट एक्स, एक्स माइनस थ्री। तो हम अगर यहां पे जब हम मॉड फंक्शन को तोड़ के दो हिस्सों में लिखते हैं, दो डेफिनेशन में तोड़ते हैं, तो डेफिनेशन कहां पे बदलता है मॉड का,
वहीं जहां पे उसका आर्ग्यूमेंट अपना साइन बदलता है। इसका आर्ग्यूमेंट जब पॉजिटिव रहेगा जब तक, तब तक मोड ऑफ आर्ग्यूमेंट इक्वल टू आर्ग्यूमेंट होगा। और जैसे ही आर्ग्यूमेंट एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा, अब मोड ऑफ आर्ग्यूमेंट इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। सो द मोड फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द आर्ग्यूमेंट चेंजेस इट्स साइन। तो जैसे x माइनस थ्री जब पॉजिटिव होगा और x माइनस थ्री जब नेगेटिव होगा, यहां पे क्या लिखेंगे? x प्लस टू जब नेगेटिव होगा, x प्लस टू जब पॉजिटिव होगा, ऐसे दौड़ेंगे दो हिस्सों में। x प्लस टू जब नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ x प्लस टू को लिखते हैं माइनस ऑफ x प्लस टू और एक माइनस थ्री आए, और x प्लस टू अगर एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा तो मॉड ऑफ x प्लस टू का मतलब होगा x प्लस टू, ऐसे लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस x माइनस फाइव और x माइनस वन, यानी दिस फंक्शन इज एक्चुअली दिस फंक्शन, दो स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ होगा। अगर हम कहें कि इसका ग्राफ बनाइए, तो आप या तो यह करें कि समझदार हैं, मॉड x का जो ग्राफ बना लेगा वो इसका ग्राफ बना लेगा। कैसे? उसको टू यूनिट्स घसकाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स माइनस माइनस टू लिखा है और माइनस थ्री उसमें एडेड है, यानी थ्री यूनिट्स नीचे, सो टू यूनिट्स लेफ्ट थ्री यूनिट्स डाउन। अब उसी ग्राफ को केवल ट्रांसलेट कर देगा। और अगर आप इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करें तो यहां देखिए क्या लिखा है, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, यानी अगर हम उसको देख करके ग्राफ बनाएं उस डेफिनेशन को, ऑफ कोर्स अगर बेवकूफ होंगे तो इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, होशियार होंगे तो हम खाली मॉड x ग्राफ को ट्रांसलेट कर देंगे, टू यूनिट्स लेफ्ट थ्री यूनिट्स डाउन। हम लोग तीन ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे मॉड x फंक्शन को, x के जगह कुछ x माइनस और बाहर में y फंक्शन का वैल्यू निकाल के एड कर देंगे, सबको एक में जोड़ देते हैं, टू टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस फाइव। अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, तो जो टू टाइम्स मॉड एक्स का ग्राफ बना लेगा, इसी में देखिए हम एक्स के जगह एक्स प्लस वन लिख दिए हैं और वाई के जगह वाई माइनस फाइव लिख देंगे, वाई प्लस फाइव टू बन जाएगा। हम लोग यही सीखे हैं कि अगर वाई और एक्स में कोई संबंध का ग्राफ आप बना सकते हैं, तो अगर हम y माइनस बीटा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा का कहें कि ग्राफ बनाइए, तो आपको सिर्फ अल्फा यूनिट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड बीटा यूनिट्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस ग्राफ को ट्रांसलेट करना होता है। ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन यू नीड टू ट्रांसलेट द ग्राफ। तो हमको इसका ग्राफ बनाना है, तो समझना यह है कि जो टू टाइम्स मॉड एक्स का ग्राफ बना लेगा, हम बना रहे हैं टू टाइम्स मॉड एक्स का ग्राफ, ये मानते हुए कि हम लोग इसका ग्राफ तुरंत बना लेंगे। अब इसी को शिफ्ट करना है वन यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड माइनस फाइव एडेड है, तो वो ग्राफ वन यूनिट्स लेफ्ट फाइव यूनिट्स डाउन, कुछ यहां पे इस तरह का ग्राफ बनेगा। हम इसको मिटा रहे हैं, ये जो लाइन है जो मॉड एक्स के वर्टेक्स बोल सकते हैं इसको, जैसे पैराबोला का वर्टेक्स था और इसको हम एक्सिस बोले थे, उसी तरह से मॉड फंक्शन का हम एक नाम दे दें एक्सिस। ऐसा कोई नाम नहीं है पैराबोला में, इसका नाम है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इसको वर्टेक्स, ऐसा मॉड फंक्शन में कोई नाम नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो एक्सिस अब शिफ्ट कर जाएगा, ये x इक्वल टू माइनस वन लाइन है जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट तो माइनस फाइव है, यानी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स माइनस वन कॉमा माइनस फाइव है, पर हमको मतलब है इन नंबर से जो कि हम लोग ढूंढ लेंगे। x के जगह जीरो डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 माइनस फाइव माइनस थ्री, और y के जगह जीरो डालेंगे, 5 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे
मोड ऑफ x प्लस वन बराबर 5/2, अर्थात x प्लस वन बराबर प्लस माइनस 5/2, अर्थात x बराबर माइनस वन प्लस माइनस 5/2, माइनस वन माइनस 5/2 इज माइनस 7/2, एंड माइनस वन प्लस 5/2 इज 3/2। हम सारा पॉइंट्स मार्क कर दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स माइनस वन कॉमा माइनस 5। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ता है दोनों, लेकिन x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जहां कट करता है ग्राफ वहां सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, हम लोग नहीं लिखते हैं 3/2, 0, इट इज अंडरस्टूड। इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी जहां पे लिखे हैं -3 वो एक्चुअली में उसका कोऑर्डिनेट्स है 0, -3, लेकिन लिखते नहीं है। बाकी किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए कहें तो दोनों लिखना पड़ता है, द x एंड द y। तो एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हमको ढूंढ के लिखना पड़ता है। कुछ मॉड फंक्शंस का हम लोग ग्राफ बना के देख लें। मॉड फंक्शन एक इवन फंक्शन है, मतलब मॉड ऑफ एनीथिंग इज सेम एज मॉड ऑफ माइनस ऑफ दैट थिंग। मॉड ऑफ 3-2x इज सेम एज मॉड ऑफ 2x-3, दे आर आइडेंटिकल। मॉड ऑफ 5x फंक्शन इज इक्वल टू, मतलब मॉड ऑफ a इंटू बी, यानी दो नंबर है a और b, दोनों को गुना किए और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लिए, या दोनों का मैग्नीट्यूड लेके गुना करें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आप चेक करके देख लीजिए, a का वैल्यू अगर 5 है और b का वैल्यू -7 है तो दोनों को गुना करेंगे तो -35 आएगा, और उसका मॉड लेंगे तो 35 आएगा। अगर हम दोनों का मॉड लेके तब गुना किए होते, मॉड ऑफ 5/5 और मॉड ऑफ -7/7 गुना करते तो 35 आता। ये सब हम कुछ आइडेंटिटीज आपको मॉड के बारे में बता रहे हैं। मॉड ऑफ 5x अगर लिखा हो तो इट इज सेम एज मॉड ऑफ 5x, यानी इट इज सेम एज 5x। अगर मॉड ऑफ -3x लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ -3x, यानी 3x। ये सब कुछ छोटा मोटा आइडेंटिटीज है जो हम लोग को जानना जरूरी है मॉड के बारे में। मॉड ऑफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब जो हमेशा सत्य है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये दोनों एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हमेशा बराबर होगा। ए और बी के स्थान पे कोई भी दो रियल नंबर ले लें, उनको जोड़ के उसका स्क्वायर करें, या पहले उन नंबर्स को अलग अलग स्क्वायर कर लें और उन दोनों को 2 से गुना कर लें और तब जोड़ें, हमेशा दोनों संख्या बराबर आएगा। तो हम ऐसे एक इक्वेशंस को बोलते हैं आइडेंटिटीज। ये एक आइडेंटिटी है, बट मॉड ऑफ a प्लस बी का वैल्यू कभी हो सकता है कि बराबर हो जाए मॉड a प्लस मॉड b के बराबर, पर हमेशा ये बात सत्य नहीं होगा। तो हम नॉट इक्वल टू लिखे हैं, दैट डज नॉट मीन कि कभी नहीं होगा बराबर। जैसे मैं एक एग्जांपल लें, अगर a और b की जगह 2 पॉजिटिव नंबर ले लें, से 5 और 7, दोनों को जोड़िए और उसका मैग्नीट्यूड लीजिए, तो जोड़िएगा तो 12 आएगा और उसका मॉड लीजिएगा तो 12 आएगा, और अगर दोनों का मॉड लेकर के तब जोड़िए तो मॉड ऑफ 5 5, मॉड ऑफ 7 7,
अब दोनों को जोड़िएगा तो 12 ही आएगा, तो दोनों बराबर हो गया। लेकिन अगर एक दूसरा एग्जांपल लें, अगर हम ए के जगह एक नंबर लेते हैं से 5 और बी के जगह एक रियल नंबर लेते हैं से -7, अब 5 और -7 को ऐड कीजिए, -2 आया, और अब मॉड लीजिए तो 2 आएगा। लेकिन दोनों का मॉड लेकर के ऐड कीजिएगा तो मॉड ऑफ 5 और मॉड ऑफ -7 को ऐड कीजिएगा तो 12 आएगा, यानी बराबर नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो यहाँ वाक्य लिखा हुआ है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये कभी ट्रू हो भी सकता है लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है, यानी एक आइडेंटिकली ट्रू नहीं है, एक आइडेंटिटी नहीं है, ये एक आइडेंटिटी ये नहीं है। कब ट्रू हो सकता है? अभी हम एक एग्जांपल लिए थे, अगर दोनों नंबर ए और बी पॉजिटिव नंबर लें तो ये बात सत्य होगा। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर के लिए आप मन में सोच के देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल टू आएगा राइट हैंड साइड का। या अगर दोनों नंबर नेगेटिव लें तब भी ये बात सत्य है। एक एग्जांपल लेके देखिए, समझ जाइएगा, -5 और -9, पहले दोनों को ऐड कीजिए, -5 और -9 को ऐड कीजिएगा तो -14 आएगा, अब मॉड लीजिए 14 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू अगर ए के स्थान पे -5 लिखते हैं और बी के स्थान पे -9, तो लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है उसका वैल्यू 14 आता है। और राइट हैंड साइड में डाल के देखिए, ए के स्थान पे -5 और बी के स्थान पे -9, मॉड लीजिए और तब ऐड कीजिए, फिर 14 आता है। यानी हम लोग हमेशा के लिए इस बात को समझ गए, ये बात कब सत्य है और कब असत्य है। अगर ए और बी दोनों नंबर सेम साइन का हो, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो ये बात सत्य है। यानी दोनों को ऐड करके तब मॉड लीजिए या दोनों का मॉड लेकर के तब ऐड कीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर ए और बी दो रियल नंबर हम लें ऑफ ऑपोजिट साइंस, यानी कोई एक नंबर पॉजिटिव हो और कोई एक नंबर नेगेटिव लें, तब दिस इज नॉट इक्वल टू, LHS डज नॉट मैच विथ RHS। इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, देन मॉड ऑफ ए प्लस बी विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, एंड इफ ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, देन मॉड ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई मैथमेटिकल तरीका है इस बात को मैथमेटिकली लिखने का, कोई तरीका है? ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है और हम सब समझ भी रहे हैं कि क्या लिखा है, बट क्या इसको मैथमेटिकली लिखने का कोई तरीका है? देखिए, इसी बात को हम ऐसे लिखेंगे, ए गुने बी ग्रेटर देन जीरो। देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं, यही स्टेटमेंट यहां लिखे हैं, ध्यान से देखिए समझ जाएंगे। यहां हम लिखे हैं कि ए और बी दो रियल नंबर है जिनको गुना करने पर एक पॉजिटिव नंबर आता है, यही लिखा है। द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, और ये तभी संभव है, दो नंबर को गुना करने पर एक पॉजिटिव नंबर कब आ सकता है? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नंबर। तो इतना बड़ा बात लिखने के बजाय भविष्य में हो सकता है ऐसे संक्षेप में लिखें, दिस इफ ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, बस इतना ही बात लिखें। ये हमारा भाषा है, द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, एंड दिस इफ ए बी इज लेस देन जीरो, यानी हम ये लिखे हैं कि ए और बी का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव नंबर हो
तब दिस विल नॉट बी इक्वल टू दिस। आप सोच के देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स नेगेटिव कब हो सकता है, जब दोनों रियल नंबर ऑपोजिट साइंस का, कोई एक पॉजिटिव नंबर हो इन दोनों में से और कोई एक नेगेटिव नंबर, सिर्फ कभी ऐसा हो सकता है। एक फंक्शन का ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ 3 माइनस 2x माइनस 4। पहले इसको समझिए कि इस फंक्शन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें। मॉड ऑफ 3 माइनस 2x इज सेम एज मॉड ऑफ 2x माइनस 3। क्यों? बिकॉज मॉड इज एन इवन फंक्शन, अभी जस्ट बताए थे। यानी मॉड ऑफ a इज सेम एज मॉड ऑफ माइनस a। अब इसमें से हम अगर 2 कॉमन लेकर के इसको इस रूप में लिखें, मॉड ऑफ इतना, और हम इसको मॉड ऑफ 2 टाइम्स मॉड ऑफ इतना लिखें, यानी 2 टाइम्स इतना लिखें, यानी इसी फंक्शन को हम इस रूप में सिंप्लीफाई करेंगे। अब जाकर के हम इसका ग्राफ बहुत आसानी से बना लेंगे। क्यों, जरा सोच के देखना है इस बात। जो विद्यार्थी y बराबर 2 टाइम्स मॉड x का ग्राफ बना लेगा वो इस फंक्शन का ग्राफ बना लेगा, क्योंकि हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं इस इक्वेशन में, हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं। x के जगह x माइनस 3/2 लिख दिए हैं और फंक्शन के वैल्यू में एक माइनस 4 ऐड कर दिए। ये 2 टाइम्स मॉड x जिसका ग्राफ वी शेप का होता है, दो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y बराबर माइनस 2x और ये है y बराबर 2x, और पूरा ग्राफ कलेक्टिवली है वो y बराबर 2 टाइम्स मॉड x। 2 टाइम्स मॉड x का ग्राफ हम लोग जानते हैं कि वो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए 2 टाइम्स मॉड x मींस माइनस 2x, एंड नॉन नेगेटिव वैल्यूज के लिए वी नो दैट 2 टाइम्स मॉड x इज सेम एज 2x। अब हम इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। हमको सिर्फ इस ग्राफ को 3/2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस एंड 4 यूनिट्स अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस बस घसकाना है, इसी ग्राफ को केवल ट्रांसलेट करना है। अभी भी वही ग्राफ है, यहां कॉन्ग्रुएंट है। इस लाइन को हम एक्सिस कहे थे मॉड फंक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 2 टाइम्स मॉड x का जो ग्राफ है वो x इक्वल टू 0 पे अपना डेफिनेशन चेंज करता है, यानी x का वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए, इस फंक्शन का मतलब था ये डेफिनेशन था उसका, एंड x ग्रेटर देन 0 के लिए उसका डेफिनेशन बदल गया, यानी x इक्वल टू 0 लाइन पे उसका डेफिनेशन बदल जाता। अब इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो x इक्वल टू 3/2 पे अपना डेफिनेशन बदलेगा। हम अगर अलग अलग पूछें कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, कलेक्टिवली ये इक्वेशन है ग्राफ का, पर अलग अलग दोनों टुकड़ों का क्या इक्वेशन है, जैसे हम अलग अलग, तो उसको तोड़ के देखें। ये जो फंक्शन है 2 टाइम्स x माइनस 3/2 का मॉड माइनस 4, इसको दो टुकड़ों में तोड़ के हम लोग लिखते हैं, जहां पर भी अपना डेफिनेशन चेंज करता है। यहां मॉड ऑफ x माइनस 3/2 लिखा है, हम मॉड हटा देना चाहते हैं, हम सिर्फ एक 2 लीनियर फंक्शन के रूप में इसको तोड़ के लिख पाएंगे। तो दो केस होगा, अगर x माइनस 3/2 लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो मोड ऑफ स्टार, अगर स्टार नेगेटिव नंबर है तो मोड ऑफ स्टार को सिर्फ आप माइनस स्टार लिखेंगे, यही डिसाइड हुआ है। तो इसको लिखेंगे माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3/2 माइनस 4। इफ x माइनस 3/2 दिस नंबर इज अ नंबर लेस देन 0, देन मोड ऑफ दिस इज सेम एज माइनस दिस,
एंड इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो देन मॉड ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज द नंबर इटसेल्फ मॉड ऑफ सेवन इज सेवन बट मॉड ऑफ माइनस सेवन इज माइनस ऑफ माइनस सेवन ताकि वो प्लस सेवन हो जाए. तो इफ दिस नंबर इज अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो देन मॉड ऑफ दिस मीन्स दिस टू टाइम्स एक्स माइनस टू माइनस फोर. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें. एक्स माइनस थ्री बाई टू लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स ऐसे ही लिखते हैं एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री बाई टू ये लाइन है एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू एक्स लेस देन थ्री बाई टू ये पूरा रीजन है. इस रीजन में कोई भी पॉइंट्स को लीजिएगा इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड तो उनका एक्स कोऑर्डिनेट थ्री बाई टू से कम होगा और कोई भी पॉइंट इस रीजन में लीजिएगा तो उनका एक्स कोऑर्डिनेट्स थ्री बाई टू से बड़ा होगा और इस लाइन पे कोई पॉइंट लीजिएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट थ्री बाई टू होगा. तो यहां लिखे हैं कि इफ एक्स इज अ नंबर लेस देन और इक्वल टू थ्री बाई टू यानी इधर का कोई इलाका या इस लाइन पे कोई पॉइंट तो फंक्शन का वैल्यू दिस फंक्शन इज सेम एज इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं माइनस टू एक्स प्लस थ्री माइनस फोर माइनस टू एक्स माइनस वन यानी ये जो लाइन है ना ये माइनस टू एक्स माइनस वन स्ट्रेट लाइन है. हम लोग चेक करेंगे कि ये वही लाइन है. एंड इफ एक्स इज अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री बाई टू तो जब भी हम इस फंक्शन का वैल्यू कहेंगे कि बताइए फॉर एनी एक्स अगर एक्स एक नंबर होगा 1.5 से बड़ा तो आप वहां डालने के बजाय यहां जो डेफिनेशन हम देंगे उस डेफिनेशन में भी आप एक्स का वैल्यू डालते तो सेम आंसर आएगा. हम उसका आइडेंटिकल फंक्शन बना रहे हैं अ सिंप्लीफाइड फंक्शन जिसमें मॉड नहीं दिखेगा ऐसा एक फंक्शन. अगर x का वैल्यू 3/2 से बड़ा हो तो दिस सिंप्लीफाइज टू 2x माइनस 3 माइनस 4 यानी ये वाला जो पोर्शन है इस फंक्शन का जो ग्राफ है उसका जो राइट पोर्शन है एक्सिस के राइट उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y बराबर 2x माइनस 7. हम लोग चेक कर ले ये एक स्ट्रेट लाइन है ऑफ स्लोप माइनस 2 और ये जब इस वर्टिकल लाइन को जब कट करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए. इसमें एक्स के जगह 3/2 डाले तो माइनस टू टाइम्स 3/2 इट इज माइनस 3 माइनस 1 यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस 4. हाँ वो तो हम लोग जानते थे क्योंकि जब हम लोग ग्राफ बनाए थे तो 3/2 यूनिट्स राइट शिफ्ट किए थे अब 4 यूनिट्स नीचे ले गए थे. उसी प्रकार ये जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन जब इस वर्टिकल लाइन को कट करेगा इसके इधर तो बनाना नहीं है इसको ये टू स्लोप का लाइन है और जब x इक्वल टू 3/2 लाइन को कट करेगा ये लाइन तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा इस पॉइंट का. x के जगह 3/2 डालें तो y का वैल्यू 3 माइनस 7 माइनस 4 आ रहा है. जस्ट चेकिंग अगर यहां पे आप माइनस सेवन के स्थान पे कोई और नंबर लिखा होता तो वो लाइन इस पॉइंट से नहीं स्टार्ट होता किसी भी अन्य पॉइंट से स्टार्ट होता. तो हमको बनाना था इस फंक्शन का ग्राफ लेकिन अगर हम होशियार हैं तो सबसे पहला चीज हम इसको ट्रांसफॉर्म करके इस रूप में कल्पना करेंगे तब हमको दिख जाएगा कि एक्चुअली में ये टू टाइम्स मॉड एक्स का ग्राफ है जो हमको बना के और ट्रांसलेट करना है सिर्फ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस. और ग्राफ कंप्लीट तब माना जाएगा जब आप उसका वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट और वर्टेक्स इन सभी पॉइंट्स को मार्क कर दें तभी माना जाएगा कंप्लीट. तो हम इस फंक्शन में एक्स के जगह जीरो डाल दें तो मोड ऑफ 3 माइनस 4 यानी 3 माइनस 4 यानी माइनस 1
ये y एक्सिस को कट करेगा एट द पॉइंट माइनस वन, दैट इज द y इंटरसेप्ट। y की जगह जीरो डाल दें और इस इक्वेशन को सॉल्व करें फॉर x, यानी मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 4 बराबर जीरो, यानी कि मॉड ऑफ 2x माइनस 3 बराबर 4, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर प्लस और माइनस 4। ये हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ a बराबर b लिखा हो, a कोई रियल नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि b के बराबर है, तो इसका मतलब है कि a या तो प्लस b के बराबर है या a का वैल्यू माइनस b है। जैसे मॉड ऑफ x अगर इक्वल टू 9 लिखा हो तो x दो नंबर ऐसा है रियल नंबर लाइन पे, देर आर टू नंबर्स जिनका डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन 9 होता है, एक प्लस 9 और एक माइनस 9। तो हम दिस स्टेटमेंट मींस दिस स्टेटमेंट। और अब हम इसको लिखेंगे 2x बराबर 3 प्लस माइनस 4, यानी कि 3 माइनस 4 और 3 प्लस 4, या देयरफॉर x का वैल्यू माइनस हाफ 7/2, यानी कि दो जगह जहां x एक्सिस को कट कर रहा है ये, एक माइनस हाफ ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड और एक 7/2 ओरिजिन के राइट हैंड साइड। कुछ और भी सवाल सब हम पूछ सकते हैं इस फंक्शन से रिलेटेड, वो सब हम पूछ रहे हैं। जैसे हम पूछ सकते हैं कि आप इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बता दीजिए, तो डोमेन बताने के लिए कलम भी नहीं उठाना है, वो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शंस है। जो लीनियर फंक्शन को समझता हो और जो मॉड फंक्शन को, वो तुरंत बता देगा कि इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन है ऑल रियल नंबर्स, और उसको जवाब को अपने ऐसे लिखेगा, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x बिलोंगिंग टू r, और इसका रेंज क्या होगा। यानी कि आप इस फैक्ट्री में अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारा नंबर्स एक एक करके डालते जाएं और इसके आउटपुट को कलेक्ट करते जाएं एक झोला में सेट, तो आउटपुट का जो सेट होगा उसी को रेंज बोलते हैं। सब ग्राफ पे दिख रहा है, इस ग्राफ का लीस्ट वैल्यू फंक्शन का जो है, वाई कोऑर्डिनेट्स आर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, तो लीस्ट वाई कोऑर्डिनेट है माइनस 4, बाकी सभी पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट्स माइनस 4 से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में है। यानी इस फंक्शन का रेंज जब पूछेंगे तो आप इस प्रकार लिखेंगे, y बिलोंग्स टू माइनस 4 कॉमा प्लस इन्फिनिटी। अगर यहां पे बाहर में हम इस तरह से एक फंक्शन लिख देते, माइनस 3 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 या प्लस 5। अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाइएगा y बराबर, तो इस फंक्शन का ग्राफ कॉन्ग्रुएंट होगा माइनस 3 मॉड x ग्राफ से, कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी जो विद्यार्थी माइनस 3 टाइम्स मॉड x का ग्राफ बना लेगा वो इस फंक्शन का ग्राफ बनाएगा। अब माइनस 3 टाइम्स मॉड x का जो ग्राफ है वो काफी पचका हुआ ग्राफ है, लेकिन उसका मुंह नीचे है इस तरह का। ये ग्राफ हम अभी तक बनाए हैं माइनस 3 टाइम्स मॉड x का, और अगर हमको इसका ग्राफ बनाना है तो इसको हम 1 यूनिट्स लेफ्ट, यहाँ प्लस 1 है विच मीन्स x माइनस माइनस 1, तो 1 यूनिट लेफ्ट और फिर 5 ऐड करना है ऊपर, यानी कि ये ग्राफ अब इस तरह का ग्राफ होगा इस फंक्शन का। ये मिटा दे रहे हैं, तो किसी भी मॉड फंक्शन का जो ग्राफ है उसका ग्राफ एक वी शेप का दिख रहा है, उसका मुंह ऊपर या मुंह नीचे, तो हम इसका भी रेंज तुरंत बता सकते हैं बिना कलम उठाए। इसी सवाल को हम चेंज करेंगे, स्पेशली हम पूछेंगे कि बताइए अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करते फॉर x लाइंग बिटवीन माइनस 1 टू 3, x का वैल्यूज अगर माइनस 1 से 3 के बीच में रखें, यहां है कहीं माइनस 1, यहां है कहीं माइनस 1, ये माइनस, ये 7/2, यहां है कहीं माइनस 1,
अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर x का वैल्यू हम माइनस वन से लेकर के x इक्वल टू थ्री, ये है 7/2 3.5, यहाँ पे कहीं होगा x इक्वल टू 3। तो अगर हम एक फंक्शन को डिफाइन किए हैं x इक्वल टू माइनस वन से लेके x इक्वल टू 3 के बीच में डिफाइन करें, यानी सिर्फ इसी पोर्शन से मतलब है हमको अब ग्राफ के, सिर्फ इसी फंक्शन के सिर्फ इसी पोर्शन से मतलब है, ये लाइन है मेरा x इक्वल टू 3 लाइन, अब सिर्फ इसी पोर्शन से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है, इनको हम कल्पना कीजिए कि मिटा दीजिए। अब हम पूछें कि रेंज बताइए, यानी अब इस फंक्शन का जो y कोऑर्डिनेट्स है ग्राफ पे वो इतना से लेके इतना, अच्छा यहाँ पे दो डॉट भी देंगे, डॉट इसलिए देंगे क्योंकि हम x इक्वल टू माइनस वन हमारे डोमेन में इंक्लूड किए हैं और x इक्वल टू 3 को भी हम अपने डोमेन में इंक्लूड किए। हम फिर बताने जा रहे हैं कि इसका जवाब देने के लिए आपको ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं था। अब चलिए निकालते हैं, एकदम उसी तरह से फैक्ट्री के रूप में हम लोग मन में कैलकुलेट करते हैं। अगर x का वैल्यूज माइनस वन से 3 के बीच में हो तो 2 टाइम्स x का वैल्यूज कितना से कितना के बीच में होगा, इस तरह से हम लोग जवाब तक पहुंच जाएंगे। हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमको 2 टाइम्स x माइनस 3 का वैल्यूज कितना से कितना के बीच में होगा, हम दोनों तरफ माइनस 3 ऐड कर देंगे। अब मॉड ऑफ 2x माइनस 3 का वैल्यूज कितना से कितना के बीच में होगा, लिखा है यहां माइनस 5 से लेके 3 के बीच में अगर x का वैल्यूज हो तो इतना देर में अगर आप मॉड का ग्राफ बनाइए, मॉड फंक्शन का ग्राफ, मॉड ऑफ t समझिए लिखा है, मॉड ऑफ t जहां पे t का वैल्यूज दिया है माइनस 5 से 3 के बीच में है, तो मॉड ऑफ सच नंबर्स का वैल्यू कितना से कितना के बीच में आएगा, 0 से लेके 5 के बीच में लाई करेगा, तो मॉड ऑफ ऑल सच नंबर्स का स्मॉलेस्ट नंबर 0 आएगा और ग्रेटेस्ट नंबर 5 आएगा। अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें कि हम x बराबर माइनस 7 से लेकर के x बराबर माइनस 3 के बीच में हम चाहते हैं कि आप फंक्शन का ग्राफ बनाएं x इक्वल टू माइनस 7 से x इक्वल टू माइनस 3 के बीच में, तो आप सिर्फ यही पोर्शन बनाएंगे मॉड फंक्शन का ग्राफ और उसका रेंज पूछेंगे, यानी y कोऑर्डिनेट सब कितना से कितना के बीच में लाई करेगा। तो यहां पर जो ग्राफ का y कोऑर्डिनेट है वो है 3, मॉड ऑफ माइनस 3 इज 3 एंड मॉड ऑफ माइनस 7 इज 7। तो आपको जवाब मिलेगा कि अगर x का वैल्यूज माइनस 7 से माइनस 3 के बीच में रखा जाए, उन नंबर्स का मॉड निकाला जाए, तो उसका वैल्यूज 3 से 7 के बीच में आपको मिलेगा। अगर हम कहें कि मॉड x फंक्शन को डिफाइन करें फॉर x लाइंग बिटवीन माइनस 5 से लेकर के और माइनस 2 तक, यूनियन 4 से लेके 6 तक, 6 तक, 4 to 6, x belongs to माइनस 5 कॉमा माइनस 2 यूनियन 4, 6, इतना से इतना के बीच का नंबर्स और इतना से इतना के बीच का नंबर्स लेके डालें, तो ये जो हमको नंबर्स रिटर्न करेगा वो सेट चाहिए। तो देखिए आप ग्राफ पे देखिएगा तो यही टुकड़ा है और यहां पे ये पोर्शन है जो बनेगा ग्राफ, ये हाइट 2 हाइट होगा इसका, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 होगा और इस डॉट का वाई कोऑर्डिनेट 5 होगा, इस डॉट का वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा, उस डॉट का वाई कोऑर्डिनेट 6 होगा। इस पे जितना भी इस पोर्शन पे डॉट्स है उनका वाई कोऑर्डिनेट्स 4 से 6 के बीच में होगा और इस पोर्शन पे जितना भी डॉट्स है उनका वाई कोऑर्डिनेट्स 2 से 5 के बीच में होगा। अब दोनों का यूनियन करना है, सारा वाई डॉट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स जो मिलेगा डॉट्स का, उस कलेक्शन को बोलते हैं फंक्शन का रेंज। तो वाई कोऑर्डिनेट्स आपको मिल रहा है 2 से लेके 6 तक, तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन
विल बिलोंग टू 2,6 सेट। हम इस फंक्शन का वैल्यूज अगर -2 यानी -2 से लेकर 4, यह है पूरा ग्राफ, -2 से लेकर के यहां -4 है, y बराबर -2 से लेकर y = 4, इतना दूर में हम चाहते हैं कि फंक्शन का वैल्यू लाई करे। दिस इज द ग्राफ, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, तो x का वैल्यूज कितना से कितना के बीच में होना चाहिए। तो इस टुकड़े का हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इतना से इतना के बीच में लाई करेगा, और इस टुकड़े का जो पोर्शन है उसका x कोऑर्डिनेट इतना से इतना के बीच में लगेगा। यानी आंसर आना चाहिए x शुड लाई बिटवीन इतना टू इतना, यूनियन इतना टू इतना। इसका वैल्यूज हम चाहते हैं कि -2 से -4 के बीच में हो, अर्थात लिखेंगे मॉड ऑफ 2x - 3 - 4 का वैल्यूज सवाल के अनुसार। सवाल में हम चाहते हैं कि इसका वैल्यूज इतना से इतना के बीच में हो, तो बताइए कि x का वैल्यूज कितना से कितना के बीच में होना चाहिए। हम पहले दोनों तरफ 4 ऐड कर देंगे, तो मॉड ऑफ 2x - 3 का वैल्यूज 2 से 8 के बीच कब होता है? जब x का वैल्यूज -8 से -2 या 2 से 8 के बीच में हो, तो यानी कि 2x - 3 का वैल्यूज अगर -8 से -2 के बीच में हो, या 2x - 3 का वैल्यूज 2 से 8 के बीच में हो, तब मॉड ऑफ 2x - 3 का वैल्यू 2 से 8 के बीच में होगा। और अब हम इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे और दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, या दोनों तरफ हम 3 ऐड करेंगे और हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मिला कि x का मान -2.5 से लेके, ये इस टुकड़े का जवाब आ रहा है, 0.5 के बीच में हो, या x का मान 2.5 से लेकर के 5.5 के बीच में हो, यही जवाब मिला। फाइनल आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -5/2 से लेके हाफ के बीच में, या यूनियन 5/2 से लेके 11/2 के बीच में। मॉड से रिलेटेड एक आखिरी बात सीखना है हम लोग को, कोई भी फंक्शन f of x का ग्राफ बना रहे हैं, तो मान लीजिए ऐसा एक ग्राफ बन गया x = a से लेकर के x = b, कोई डोमेन है, उसी इंटरवल में हम कोई फंक्शन का ग्राफ बनाए हैं। अगर हम कहें कि y = -f(x) का ग्राफ बनाइए, अब ये डिफरेंट फंक्शन है, अभी जो आप ग्राफ बनाए हैं वो f(x) फंक्शन का ग्राफ बनाए हैं, यानी इस ग्राफ पे किसी भी वर्टिकल लाइन पे जो y कोऑर्डिनेट जो डॉट बनाया गया है उसका y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है = f(x), यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट f(x) है। अब अगर हम चाहते हैं कि y कोऑर्डिनेट = -f(x), इस रिलेशन का ग्राफ बनाइए, तो अब आप इसी लाइन पे जो पॉइंट चुनेंगे, अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, तो आप x - f(x) चुनेंगे डॉट, यानी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पे, जहां पे भी पहले पॉजिटिव वैल्यूज प्लॉट किया गया था, अब नेगेटिव वैल्यूज प्लॉट होगा, और जहां पे भी जिस पर्टिकुलर x के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन का वैल्यूज नेगेटिव था, अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके अब आप प्लॉट बना रहे हैं, तो वो डॉट्स ऊपर चला जाएगा। यानी अगर आप y = f(x) फंक्शन का ग्राफ बनाए हैं, और अगर हम ऐसा ग्राफ कहें कि बनाइए, तो इसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लेना है इन दी x एक्सिस, यानी ग्राफ का ऊपर वाला पोर्शंस नीचे और नीचे वाला पोर्शंस ऊपर चला जाएगा। ये है अब ग्राफ ऑफ y - f(x). ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अगर हम कहें कि y = mod of f(x) का ग्राफ बनाइए, ये नया फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम
एक इक्वेशन लिख रहे हैं, एक रिलेशन y बराबर x माइनस 3 और एक रिलेशन है y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3। दोनों का ग्राफ अलग अलग होगा क्योंकि इसमें जो डॉट्स है वो x इक्वल टू 3 डालने पर इस फंक्शन का जो y वैल्यू होगा वो 0 होगा, 4 डालने पे 1, हम इस रिलेशन में x के जगह 1 डालेंगे, 4 डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट आएगा 1, 4,1। अगर हम इसमें माइनस 1 डालेंगे x के स्थान पे तो y कोऑर्डिनेट आएगा माइनस 4, x के जगह माइनस 2 डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट, यानी इन सब पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा। जब हम इस फंक्शन का ग्राफ कहें कि बनाइए तो दीज आर दी पेयर ऑफ नंबर्स जिनको कि प्लॉट करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पे हम फ्यू डॉट्स आपको बना के दिखा रहे हैं। x इक्वल टू 1 पे इसमें x के जगह 1 डालेंगे इसमें तो माइनस 2 आएगा, यहां पे y कोऑर्डिनेट माइनस 2, x इक्वल टू 2 डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट माइनस 1, x इक्वल टू 3 लाइन पे y कोऑर्डिनेट 0, x इक्वल टू 0 पे y कोऑर्डिनेट माइनस 3, x इक्वल टू 4 डालेंगे इस फंक्शन में तो फंक्शन का वैल्यू 1 होगा, तो हम फंक्शन का वैल्यू x एक्सिस से 1 यूनिट ऊपर प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ होगा इस रिलेशन का। लेकिन अगर हम मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बोलने की बनाइए तो अब देखिए इस फंक्शन का जो फ्लो चार्ट है और उसके फ्लो चार्ट में थोड़ा अंतर हो गया। जब उस फंक्शन में आप x डाल के वैल्यूज निकालते थे तो अंदर में सिर्फ x में माइनस 3 ऐड करके एक नंबर रिटर्न हो रहा था, लेकिन जब हमको मॉड ऑफ x माइनस 3 फंक्शन का वैल्यूज बताना होगा तो फॉर एनी इनपुट x हम पहले x माइनस 3 यानी माइनस 3 ऐड कर देंगे x में और अब जो नंबर मिलेगा उसका हम मॉड लेकर के तब आंसर बताएंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन x माइनस 3 एंड मॉड ऑफ x माइनस 3। कोई एफ एक्स फंक्शन का फैक्ट्री है, x डालेंगे एफ एक्स रिटर्न होगा और एक मॉड ऑफ एफ ऑफ x, ऐसे फंक्शंस को कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, यानी इनपुट जब डालिएगा तो पहले हम एक मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड f, उस फैक्ट्री के थ्रू मेरा इनपुट गुजरेगा और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा उसको अब मॉड फैक्ट्री में घुस के तब फाइनली निकलना है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन f ऑफ x एंड मॉड ऑफ f ऑफ x। तो अब इस फंक्शन का ग्राफ जब बनाएंगे, जैसे इसमें अगर हम पॉजिटिव नंबर डालें, 3 से बड़ा नंबर डालें 4, तो आउटपुट वही निकलेगा जो इसमें हम 4 डालते तो जो आउटपुट निकलता 1, इसमें भी 4 डालेंगे तो आउटपुट 1 आएगा क्योंकि 4 डालने पर यहां से एक पॉजिटिव नंबर बाहर निकलेगा और पॉजिटिव नंबर जब मॉड फैक्ट्री में घुसता है तो मॉड फैक्ट्री एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह व्यवहार करता है फॉर पॉजिटिव नंबर्स, यानी वही नंबर आपको रिटर्न कर देता है। 3 से बड़ा 3 या 3 से बड़ा कोई भी नंबर डालिए इस फैक्ट्री में, ये फंक्शन का बिहेवियर इक्वल टू x माइनस 3 फंक्शन की तरह व्यवहार है। हम लोग इस बात को ऐसे दिखाते भी हैं कि दिस फंक्शन बिहेव्स लाइक x माइनस 3 फंक्शन फॉर वैल्यूज ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड दिस फंक्शन बिहेव्स लाइक माइनस ऑफ x माइनस 3 फंक्शन फॉर वैल्यूज ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। तो हम अभी सिखाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि अगर आप f ऑफ x फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं तो मॉड ऑफ f ऑफ x, एक कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं इस तरह के फंक्शंस को, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि फैक्ट्री में इनपुट घुसेगा तो एक फैक्ट्री से बाहर निकलेगा जो आउटपुट, फिर वही आउटपुट दूसरे फैक्ट्री के लिए इनपुट हो जाएगा, फिर वहां से जो आउटपुट निकलेगा वो तीसरे फैक्ट्री के लिए इनपुट हो जाएगा,
ऐसे फंक्शंस को हम लोग अगर सीरीज में बोलते हैं, एक के बाद एक अरेंज कर दिए, तो हम इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। पढ़ते भी कैसे हैं, जैसे यहाँ पे जो नंबर निकलेगा उसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे पाँच डालें तो यहाँ निकलेगा, उसको बोलते हैं एफ ऑफ पाँच, और अब वो नंबर जब इस फैक्ट्री में जाएगा तो उसको जो आउटपुट रिटर्न होगा उसको कैसे बोलेंगे, मॉड ऑफ एफ ऑफ पाँच। तो हम ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि जैसे कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स का आप ग्राफ बना चुके हैं, और अगर हम माइनस एफ ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ कहे होते कि बनाइए, तो आपको हम बताएं कि सिर्फ क्या करना है, एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लेना है, क्योंकि अब ये फंक्शन जो नंबर्स रिटर्न करेगा, ये फैक्ट्री जो नंबर्स रिटर्न करता था, वही एक्स डालने पर ये वही नंबर रिटर्न करेगा विथ अ माइनस साइन मल्टीप्लाइड। अगर ये कोई एक्स के लिए पाँच रिटर्न करता था तो अब ये फैक्ट्री माइनस पाँच, यानी उसका ग्राफ बनाते वक्त डॉट्स, अगर इसका ग्राफ का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नंबर था तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाते वक्त वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, और अगर उसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव था तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव, तो वाई कोऑर्डिनेट्स अपना साइन बदल देगा। अब ये हम एक आखिरी महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं फंक्शंस के ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के जगह एक्स माइनस अल्फा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राफ का शक्ल नहीं बदलेगा, खाली अपने स्थान से घसक जाएगा। एफ ऑफ एक्स फंक्शन के वैल्यू में एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर आप एफ ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड कहें कि प्लॉट कीजिए, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को प्लॉट कीजिए, तो देखिए अब क्या होगा कि आपको सिर्फ ये करना है कि अब किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इतना था, तो अब आपको उसी नंबर का मॉड निकाल के फाइनली तब प्लॉट करना है। तो अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यूज पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इस फैक्ट्री में जाने के बाद भी वही नंबर आ जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यूज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी इस फैक्ट्री से जो नंबर निकल रहा है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नंबर है तो जो नंबर डालेंगे इस फैक्ट्री में वही नंबर बाहर निकल जाएगा। मॉड फंक्शन बिहेव्स लाइक एन आइडेंटिटी फंक्शन, जो डालिएगा वही दे देगा इफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नंबर डालिएगा। हम लोग पढ़े हैं ना मॉड ऑफ एक्स का मतलब एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस एक्स इफ, वही लिख रहे हैं। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का मतलब क्या, दिस मीन्स माइनस ऑफ इतना इफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो, एंड दिट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन, जो यहां लिखा है वही लिखते हैं हमेशा। अब यहां जरूरी नहीं है कि x लिखा हो, मॉड ऑफ एनी फंक्शन लिखा हो तो इसका मतलब है द फंक्शन इटसेल्फ इफ फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड इसका मतलब है माइनस ऑफ एफ एक्स इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। यानी अब देखिए हम ग्राफ बना लेंगे मॉड ऑफ एफ एक्स का, मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ जब जब एफ एक्स का वैल्यूज पॉजिटिव होगा तो इन नंबर्स का मॉड लीजिएगा, मॉड लेकर के तब प्लॉट करना है तो यही नंबर आएगा, तो ये ग्राफ जैसा था वैसा ही रह जाएगा, और जब जब एफ एक्स का वैल्यूज नेगेटिव होगा मॉड लीजिएगा तो ये नेगेटिव नंबर्स, अगर यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट माइनस टू था आपको मॉड ऑफ माइनस टू प्लॉट करना है, यानी ग्राफ का ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। अगर ये था मॉड ऑफ, ये था एफ एक्स का ग्राफ, ये वाला वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ था ये, तो वाई बराबर मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ निकालना हो
तो हमेशा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स. जैसे हमको अगर मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए, तो हम जो अभी नया चीज सीखे हैं, वैसे तो हम सब इसका ग्राफ जानते हैं. जो मॉड x का जानता है वो मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बस 3 यूनिट्स ट्रांसलेट करना है. ये है मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ. लेकिन आज नया चीज सीख रहे हैं हम. ये कह रहे हैं कि अगर कोई विद्यार्थी x माइनस 3 का ग्राफ बना सकता हो, अब बना सकते हैं ना. x माइनस 3 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है. x इंटरसेप्ट 3, y बराबर x माइनस 3 का ग्राफ. यानी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पे ये जो डॉट का y कोऑर्डिनेट है वो इक्वल टू दिस नंबर माइनस 3 है. जैसे x इक्वल टू 5 लाइन पे जो डॉट बनाए हैं उसका y कोऑर्डिनेट 5 माइनस 3 यानी 2 हाइट पे एक डॉट बनाए हैं. x इक्वल टू 6 पे हम 3 हाइट पे एक डॉट बनाए हैं. x इक्वल टू 3 पे y बराबर 0 0 हाइट पे एक डॉट बनाए हैं x एक्सिस से. x बराबर 1 पे y का वैल्यू माइनस 2 यानी हम x बराबर 2 पे y कोऑर्डिनेट माइनस 1 यूनिट्स नीचे इस लाइन पे जो डॉट्स है उन सब का y कोऑर्डिनेट एक पर्टिकुलर नंबर डॉट है जिसका y कोऑर्डिनेट माइनस 1 है. x बराबर 1 पे y कोऑर्डिनेट माइनस 2 तो इसका ग्राफ बनाए हैं एक स्ट्रेट लाइन. अब हम चाहते हैं y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बनाए. अब सभी नंबर्स का मॉड लेना होगा. जैसे x इक्वल टू 5 पे अब हम जो इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस 3 2 आएगा. 2 का मॉड लेंगे तो 2 ही आएगा यानी यहीं पे डॉट बनेगा. x इक्वल टू 6 पे इस फंक्शन का वैल्यू खोजेंगे तो यहीं पे डॉट बनेगा. लेकिन अब x इक्वल टू 2 पे हम अगर इस फंक्शन का डॉट खोजेंगे माइनस 1 होगा. तो ये डॉट तो माइनस 1 था y कोऑर्डिनेट, लेकिन अब आप इस फंक्शन का डॉट बनाएंगे y कोऑर्डिनेट तो माइनस 1 का मॉड निकालेंगे और 1 हाइट पे डॉट बनाएंगे. ये डॉट अब यहाँ नहीं बन करके इसका मॉड ऑफ माइनस 2 यानी यहाँ बनेगा 2. मॉड ऑफ माइनस 3 3 यानी ग्राफ ऐसा हो जाएगा. अगर हम कहें कि मॉड ऑफ 2x माइनस 1 का ग्राफ बनाइए, तो हम दिखाते हैं कि जो विद्यार्थी 2x माइनस 1 फंक्शन का ग्राफ बना लेगा वो इसका ग्राफ. वैसे तो इसका ग्राफ हम लोग जानते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस तरह से. इसको 2 कॉमन लेके x माइनस हाफ लिखेंगे. मॉड ऑफ 2 टाइम्स x माइनस हाफ को 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस हाफ लिखेंगे. मैंने मॉड 2 इंटू मॉड x माइनस हाफ जिसको फाइनली 2 टाइम्स इतना लिखेंगे. वी नो दिस. तो इसका ग्राफ बनाना हो तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे. जो हम समझ गए कि ये ग्राफ y बराबर 2 मॉड x फंक्शन का जो ग्राफ बना लेगा वो इसका बना लेगा. ये है y बराबर 2 टाइम्स मॉड x का ग्राफ. y बराबर मॉड x के तुलना में थोड़ा पचका हुआ है और x इक्वल टू x के जगह x माइनस हाफ लिखा है तो ये हाफ यूनिट्स टू द राइट हम इसको शिफ्ट कर देंगे. दैट इज द ग्राफ ऑफ y बराबर 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस हाफ. लेकिन अगर हम इसको जो नया चीज आप सीखे हैं उसके अनुसार देखें तो हम पहले 2x माइनस 1 का ग्राफ बनाते हैं और फिर मॉड ऑफ 2x माइनस 1 का ग्राफ बनाएंगे. यही आएगा. x इंटरसेप्ट निकालेंगे y बराबर 0 डाल के x इक्वल टू हाफ. ये है x इंटरसेप्ट. और x बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर माइनस 1. ये ग्राफ बनेगा y बराबर 2x माइनस 1 का ग्राफ. इसी का x इक्वल टू हाफ के उस तरफ फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है y कोऑर्डिनेट्स और लेफ्ट हैंड साइड y कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है. अब इन सब नंबर्स का y कोऑर्डिनेट्स का मॉड लेकर के फाइनली प्लॉट करना है. तो वो डॉट्स तो वहीं रह जाएगा पर ये डॉट्स नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर के सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज द ग्राफ ऑफ. जैसे हम ये फंक्शन लिखे हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. तो देखें कि हम लोग इस फंक्शन का ग्राफ बना पाते हैं कि नहीं.
अगर हम y बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ बना लें तो हम मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ तुरंत बना लेंगे। इसको जरा ग्राफ बनाते हैं, x बराबर 0 डालने पर y बराबर 2, हम इस फंक्शन रिलेशन का ग्राफ बना रहे हैं। y इंटरसेप्ट 2 है और x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की जगह 0 डाल के हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 विच इज 1 बाई 2 विच इज 2 बाई 2 एंड 4 बाई 2। x एक्सिस को 1 पे और 2 पे दो जगह कट करेगा, इस तरह का ग्राफ होगा इसका ग्राफ। इसका जो एक्सिस है पैराबोला का वो x इक्वल टू 1 और 2 के ठीक बीचों बीच नंबर है 1 प्लस 2 बटे 2 यानी x इक्वल टू 3 बाई 2। और इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स हम x के जगह 3 बटे 2 डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। y का वैल्यू फॉर x इक्वल टू 3 बाई 2 कैलकुलेट कर रहे हैं, 9 बटे 4 माइनस 9 बटे 2 प्लस 2। इसको हम 9 माइनस 18 बटे 4 माइनस 9 बटे 4 प्लस 2, 8 माइनस 9 माइनस 1 बटे 4। तो इसका y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल दिए। सब कुछ जो इस फंक्शन का ग्राफ से रिलेटेड सब बात, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, सब विजिबल है। हमको बनाना है मॉड ऑफ दिस का ग्राफ, तो वो ग्राफ ऐसा। अब इसको हम मिटा रहे हैं, ये है। अब दिस ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड ऑफ दिस फंक्शन। यहां से भी देखिए समझ जाइए, लिखा है कि जब फंक्शन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का वैल्यूज जब भी नेगेटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का वैल्यूज नेगेटिव कब होगा। हम इसका जीरोस क्योंकि ढूंढ चुके हैं तो हम इसको फैक्टराइज कर लें, तो हमको दिख रहा है कि x का वैल्यूज जब 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तब इस फंक्शन का वैल्यूज नेगेटिव होगा। तो जब जब इस फंक्शन का वैल्यूज नेगेटिव होगा यानी x का वैल्यूज जब 1 से 2 के बीच में होगा तब इस फंक्शन का मतलब ये फंक्शन माइनस ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन को जब माइनस साइन से, ये है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ विद इन द इंटरवल 1 टू 2, लेकिन 1 से 2 के बीच में जब आपको इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए कहें तो आपको इस फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करके बनाना है, यही लिखा है, तो वो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर चला जाएगा और बाकी समय अदरवाइज लिख रहे हैं। माने x जब 1 और 2 के बीच में ना हो तब इस फंक्शन का ग्राफ बनाना, अर्थात इस फंक्शन का ग्राफ। तो जो इसका ग्राफ था उसको जस के तस छोड़ दिए। एक आखिरी एग्जांपल हम लोग देख लें मॉड फंक्शन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऐसा फंक्शन दे दें x माइनस 1 माइनस 2 का मॉड, तो सर ग्राफ कैसे बनेगा देखिए। पहले हम बनाएंगे ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2, तब हम मॉड ऑफ इसका ग्राफ बनाएंगे जो अभी सीखे हैं उस तरीका से। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, मॉड x का ग्राफ को 1 यूनिट्स राइट एंड 2 यूनिट्स डाउन, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। यह है ग्राफ अभी हम बनाए हैं, इस रिलेशन का ग्राफ बनाए। इसका लोकेट कर ले इंटरसेप्ट, x के जगह 0 डालेंगे तो y इंटरसेप्ट आएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 का मॉड 1, 1 माइनस 2 माइनस 1। और y के जगह 0 डाल के अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें यानी इतना बराबर 2 यानी इतना बराबर प्लस माइनस 2 यानी इतना बराबर 1 प्लस माइनस 2 यानी 1 माइनस 2 और 3,
तो ये माइनस वन और थ्री। और अब हमको मॉड ऑफ दिस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो बस अब हमको सिर्फ जो नीचे पोर्शन इसका एक्स एक्सिस के नीचे लटका है उस उसी को सिर्फ मिरर इमेज ले लेना है उसका इन डी वाई एक्सिस। ये वर्टेक्स जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वन और वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स के जगह वन डालिएगा तो माइनस टू। अब ये वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा टू, एक्स कोऑर्डिनेट वही वन रह गया। हम इस पोर्शन को मिटा दें एंड नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शन, ये फंक्शन। चलिए अब सब बात समाप्त हो गया मॉड फंक्शन से रिलेटेड।